हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए लेके आया आऊँ द कोरियर द कोरियर मूवी के फैक्टो रिव्यू द कोरियर 2020 की एक ऐतिहासिक जासूसी फिल्म है जो डे कुक द्वारा निर्देशित और टॉम ओकोनर द्वारा लिखित है फिल्म में बेनेडिक्स कम्बरबेच ने ग्रेविले विनय की भूमिका निभाई है और यह है एक ब्रिटिश व्यवसाय की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसे सन उन्नीस के दशक में मेरूसी जासूस स्रोत और और लेख पैन को स्वी पनुस्क द्वारा के साथ एक संदेश माध्यम बनने बनाने के लिए गुप्त खुफिया सेवा द्वारा भर्ती किया गया था और रचेल ब्रोस बोस नहान जै, जैसी का बकले और एंगस राइट भी अभिनय करते हैं फिल्म का निर्देशक डोमिनिक यूकुक है और लेखक है टॉम ओकोनर उक, उक, है उत्पादित है एडम ऑकलैंड और बेन ब्राउनिंग बेन और रेडी टेकन अभिनीति है बेच की, मेर, मेरा की रोचेल ब्रोशन नहान की जैसी कबले राइट्स छायांकन है सोन बॉबिट के संपादित किया गया तारिक अनवर और गैरे स्किल द्वारा संगीत है हबिल कौर जेनी ओस्की द्वारा उत्पादन कंपनी है। फोर्टी टू फिल्म फिल्म नेशन इंटरटेनमेंट से मार्च वितरित किया गया लॉयंस गेट और सड़क किनारे के आकर्षण रिलीज की तारीख चौबीस जनवरी 2020 को सन, सन डांस को सनडांस में उन्नीस मार्च 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और 13 अगस्त 2021 को यूनाइटेड किंगडम में कार्यक्रम एक सौ ग्यारह मिनट देश यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी द कोरियर का विश्व प्रिमर उसके मूल शीर्षक आयन बार के तहत चौबीस जनवरी 2020 को संडास फिल्म फेस्टिवल में हुआ था इसे मार्च 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में तेरह अगस्त 2021 को यूनाइटेड किंगडम में नाटक के रूप में रिलीज किया गया था फिल्म को आमतौर पर अनुकूल समीक्षाएँ मिली और आलोचकम कथनक सन उन्नीस के शीर्षक में गुप्त परमाणु जानकारी के पथक पहुँचने तक पहुँच रखने वाले एक उच्च रैकिंग वाले सोवियत अधिकारी और जी खुफिया अधिकारी ओलेग पैन का संयुक्त तो राज्य अमेरिका के साथ परमाणु युद्ध में बढ़ते खतरे के मजेंदर खेवेज के नेत्र को भाग में जाता है और सीआईए के पास पहुंचता है और ऐसी जानकारी प्रदान करने की पेशकश करता है जो उस स्थिति को कम करने में मदद कर सकती है और सीआईए और एम आई सिक्स के निर्णय लिया कि बेहतर होगा कि किसी अधिकारी का उपयोग न किया जाए और इसके बजाय एक साधारण व्यवसायी को माध्यम रूप से कार्य कराया जाएगा एक वाणिज्यिक अवसरों की खोज के बहाने मॉस्को जाने के लिए सेल्समैन ग्रेवलो विने के संपर्क करते हैं और विनय पेन कोस्की के साथ सामान्य व्यवसायिक संबंध बना स्थापित करता है जो पेनेस कोस्की उन्हें जानकारी देने के लिए पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के साथ व्यवस्था वे करते हैं और पूछता है कि वेनय को अपने नियमित कुरियर के रूप में उपयोग करने उपयोग करना जारी रखे यह तर्क देते हुए कि वह सोवियत और के सोवियत के रडार के तहत शुरू से कार्य का विरोध करने के बाद बिना विनय अत्यंत सहमत हो गया और आंशिक रूप से सीआई अधिकारी एडी एमिली डोनोवन द्वारा इस बात पर जोर देने का बात की है कि उसके प्रयासों से परमाणु युद्ध को रोकने की मदद मिल सकती है और पेनस्कोस्की कोस के बारे उसके घर पर जाकर उसे बताया कि वह विनय की सफलता पर अपना जीवन दांव पर लगा रहा है पेनकोस्की द्वारा सीआईए को प्रदान किए गए संदेशों और और पैकेजों को नियमित रूप से ले जाने के लिए विनय मास्को की अपनी व्यवसायिक यात्राओं का उपयोग करना है हालांकि इसका इसका असर उसके निजी जीवन पर पड़ा जहां वे उत्तोजित व्यवहार करने लगा और जिससे उसकी पत्नी को लगता है कि शायद उसका कोई चक्कर चल रहा है पैनको को पता चला कि सोवियत क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए परमाणु खतरे में बदलना चाहते हैं और तस् तस्वीरों और सैन्य योजनाओं के साथ यह जानकारी सी को देते हैं जो अत्यंत अपनी खुफिया जानकारी का उपयोग करके इसे सत्यापित करती है क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिकी अपने लाभ के लिए इस शुरुआती बढ़त का उपयोग करने में सक्षम है हालांकि सोवियत ने अपने स्वयं के दोहरे एजेंटों का उपयोग करते हुए महसूस किया कि उसके पास सूचना वैधता मॉस्को में बिने को पता चलता है और उसे होटल के कमरे की तलाशी ली ली गई थी लेकिन पैनकोस्की को चेतावनी देने का मौका मिलने से पहले वह छोड़ देता है पैनकोस्की के भाग्य के बारे में चिंतित होकर क्या उसे पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए ने पैनकोस्की को दलब को दल बदल की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए मास्को वापस जाने के लिए एम आई सिक्स की सलाह खिलाफ स्वेच्छता से काम किया हालांकि सो, सोवियत से पहले पैनकोफ्सकी को जहर दिया गया था जब वह अस्पताल में था तो तब उसने उसके सामने तलाशी ली थी तो योजना के विफल कर दिया गया और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया विनय को जेल भेज दिया गया और जहाँ उसे कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया और वह दृढ़ता से अपनी बेगुनाही बरकरार करता रहा यह है, है, दावा करते हैं कि वह पेनकोस्किस को केवल एक व्यापारिक ग्राहक के रूप में जानता था जी। और नहीं जानता था उसके द्वारा विपरीत पैकेजों में क्या क्या था कई महीनों के बाद उसे अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मिलती है जो उसे बताती है कि सोवियत ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें हटा ली हो जिससे उसका मनोबल बढ़ गढ़ गया, गया पूछताछ के दौरान वह जेल के पेनोस्किस से भी मिला और जो उसे बताता है कि उसके बलिदान इसके लायक था व्यक्ति भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि अप्रैल सन उन्नीस सन उन्नीस में देखा गया था कि और बताया गया कि पेनिस्को ने जो उससे वादा किया था वह उसके बारे में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को सोवियत जासूस कोनोन मोलोड़ी के बदलने की रिहा कर दिया जाता है जो बातें सन उन्नीस सौ में थी वह लंदन लौट आया और यह भी पता किया कि पेनोस्की के देश विद्रोह का का मुकदमा चलाया था और मार डाला और एक एक अज्ञात कब्र पर दफन किया लेकिन उसने उसके परिवार को मॉस्को में रहने का अनुदायी दी थी भविष्य में भविष्य में परमाणु आपदाओं को रोकने और, और और अमेरिकी और सोवियत के अपने नेताओं के बीच एक संचार हॉटलाइन भी स्थापित की थी ढालना में देखा गया ग्रेवलिन विनय के रूप में बने बैने डिस्कैबरे कंबर बेचने के को, के ने किरदार निभाया ओलोग पैनको कोवस्की के रूप में मेरा निदिचे ने किरदार एमिली डोनोवन सी अधिकारी के रूप में राचियल ब्रोस ब्रोसन्नाह ने किरदार निभाया वैनिक की पत्नी सीला के रूप में जैसी बकले ने किरदार निभाया और डिक्की फ्रेकस एम आई सिक्स अधिकारी के रूप में एंगस राइट ने किरदार निभाया जेलको इवानिन के सीआईए निदेशक जोन ए में के, 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 के रूप में नजर आए ओले ग्रे ग्रिबा के जीबी अधिकारी के रूप में केबीजी के तीसरे निदेशालय के प्रमुख के रूप में क्लेर पिरोगोव नजर आए और ब्रैटेड के रूप में एंटोन एंटोन लेसन इनकी धन्यवाद ओलेग की पत्नी के पैनकोस के रूप में मारिया मोनोरनो मिरोनोवा ने की धन्यवाद निकिता क्रुसेद के रूप में व्लादिमिर वला, चोप्रिकोव ने उत्पादन एक मई 2018 को यह घोषणा की गई थी फिल्म एक्शन एंटरटेनमेंट टॉम ऑफ कॉनर की एक स्क्रिप्ट में ब्रिटिश जासूस ग्रेवलिन बिवने के बारे में फिल्म आयरन बर्ग का करता है और डोमिन डौमी, डोमिनिक यूकुक और कॉनर बेनपुथ रोड एर, रोरी एटकेन के एडम को एडम ऑकलैंड जैसे वर्णिक लिया क्लास के साथ फिल्म का निर्देशन निर्माण करने के लिए तैयारता फिल्म के जुड़ी प्रोडक्शन कंपनियों की शनिमार्च शामिल है प्रारंभिक उत्पादन घोटना के घोषणा के साथ साथ यह पुष्टि भी की गई कि बेनेडिक्स कम्बरबेज को ग्रेविल विने के रूप में चुना गया था अक्टूबर दो को घोषणा की गई कि ब्रोसनाहन के जैसी बकले में मेरा निजी डेज एंग एंकस राइट और केरल्स पेरोगोव फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 अक्टूबर 2018 को लंदन में हुई और यह 7 दिसंबर 2018 तक चली संगीत एबेल एब एल ए, ए, कोर कोर जेनी ओस्किक ने स्कोर किया था और लैक्सोर रिकॉर्ड ने मार्च 2021 को साउंड ट्रैक जारी किया था और ट्रैक लिस्टिंग के रिकॉर्ड में साउंड ट्रैक डॉट नेट में अनुकूलित किया गया था इसके बाद बताया जाता है मुक्त करने में देखा गया फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 24 जनवरी 2020 को को आर्यन के सिर के तहत संडाउस फिल्म फेस्टिवल में हुआ कुछ ही समय बाद रोड साइड अट्रैक्शन और लाइसंगेट ने फिल्म के अमेरिकी वितरण अधिकार हासिल कर लिए और नए नाम द कुरियर के तहत फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका के 28 अगस्त 2020 को मूल नाटके रिलीज़ की गई थी और हालांकि कोविड 19 महामारी के कारण इसे 16 अक्टूबर 2020 तक विलंबित कर दिया गया और इसे यूनाइटेड किंगडम में 30 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया इसे फिर से 19 मार्च 2021 तक विलंबित कर दिया गया और अंत में तेरह अगस्त दो को फिर रिलीज किया गया था इसके बाद देखा गया कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देखा गया इसने कुरियर में संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा छह पॉइंट छह मिलियन डॉलर और अन्य जगहों पर उन्नीस पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर तक कि दुनिया भर में इसने ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर पाई थी और अपने घरेलू श्रोती सप्ताह में इसने चौदह थिएटरों में से वन मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही और फिल्म फिल्में अपने दूसरे सप्ताह में एक मिलियन डॉलर की कमाई की और इसके बाद अमीर इस बारे जवाब में देखे गए समीक्षा एग्रिएटर रोन आ, रोटन टमाटोज पर फिल्म को दो सौ चौबीस समीक्षाओं के आधार पर सिक्स पॉइंट एट ओबलिक टेन की औसत रेटिंग मिली और साथ ही एट्टी फाइव परसेंट के अनुमोदित रेटिंग के प्राप्त की और वेबसाइट के आलोचकों के सर्वसंपत्ति में लिखा गया द कुरियर एक रोमांचकारी और तथ्य आधारित कहानी और बेनेक्डिक्स कमरबेज के घबराहट पर वाले केंद्रीय प्रदर्शन द्वारा उन्नत एक प्रभावशाली पुराने स्कूल के जासूसी साहसिक कार्य को, को प्रस्तुत करता है जासूसी फिल्म है जो डोमिनिक्स कुक द्वारा निर्देशित और टॉम ओकोनर द्वारा लिखित है फिल्म में बेनेडिक्स कंबरबेच ने ग्रे, ग्रेविले विनय की भूमिका निभाई है और यह है एक ब्रिटिश व्यवसाय की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसे सन उन्नीस के दशक में मेरूशी जासूस द्वारा के साथ एक संदेश माध्यम बनाने के लिए गुप्त खुफिया सेवा द्वारा भर्ती किया गया था और रचियल ब्रोस ब्रोस जे जै, जैसी का बकले और एंगस राइट भी अभिनय करते हैं फिल्म का निर्देशक डोमिनिक यूकुक है और लेखक है टॉम ओक -को, ओकोनर है उत्पादित है एडम ओकलैंड और बेन ब्राउनिंग बेन बुथ और रे, रेडी टेक्केन अभिनीति है बेनेडिक्स कामवर बेच की मेरब निदीचे की रोचेल ब्रोशन नाहन की जैसी कबले एंगस राइट्स छायांकन है सोन बॉबिट के संपादित किया गया तारिक अनवर और गैरसिस्केल द्वारा संगीत है हाबिल कौर जेनी ओस्की द्वारा उत्पादन कंपनी है फोर्टी टू फिल्म फिल्म नेटरटेनमेंट सनी मार्च वितरित किया गया लॉयंस गेट और सड़क किनारे के आकर्षण रिलीज की तारीख चौबीस जनवरी दो को सन सनडांस में चौन्नीस मार्च दो को संयुक्त राज्य अमेरिका में और 13 अगस्त दो को यूनाइटेड किंगडम में कार्यक्रम एक सौ ग्यारह मिनट देश यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी द कोरियर का विश्व प्रीमर उसके मूल शीर्षक आयन बार के तहत चौबीस जनवरी 2020 को संडास फिल्म फेस्टिवल में हुआ था इसे मार्च 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में तेरह अगस्त 2021 को यूनाइटेड किगडम में नाट्य रूप में रिलीज किया गया था फिल्म को आमतौर पर अनुकूल समीक्षाएं मिली और आलोचकतम कथनक सन उन्नीस के शीर्षक में गुप्त परमाणु जानकारी के तक पहुँचने तक पहुँच रखने वाले एक उच्च रैकिंग वाले सहोवियत अधिकारी और जी खुफिया अधिकारी ओलेग पैन पैनकोस का संयुक्त तो राज्य अमेरिका के साथ परमाणु युद्ध में बढ़ते खतरे के मजे मजेंदर के नेत्र को होम भाग में जाता है और सीआईए के पास पहुंचता है और ऐसी जानकारी प्रदान करने की पेशकश करता है जो उस स्थिति को कम करने में मदद कर सकती है और सीआईए और एम आई सिक्स के निर्णय लिया कि बेहतर होगा कि किसी अधिकारी का उपयोग न किया जाए और इसके बजाय एक साधारण व्यवसायी को माध्यम रूप से कार्य कराया जाएगा एक वाणिज्यिक अवसरों की खोज के बहाने मॉस्को जाने के लिए विने के के संपर्क करते हैं और पेन कोस्की के साथ सामान्य व्यवसायिक संबंध बना स्थापित करता है जो पेनेस कोस्की उन्हें जानकारी देने के लिए पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के साथ व्यवस्था वे करते हैं और पूछता है कि मैंने को अपने नियमित कुरियर के रूप में उपयोग करने उपयोग करना जारी रखें यह तर्क देते हुए कि वह सोवियत और के सोवियत के रडार के तहत शुरू से कार्य का विरोध करने के बाद बिना विनय अत्यंत सहमत हो गया और आंशिक रूप से सीआई अधिकारी एडी एमिली डोनोवन द्वारा इस बात पर जोर देने का बात किया कि उसके प्रयासों से परमाणु युद्ध को रोकने की मदद मिल सकती है और पेनस्कोस्की कोस के बारे उस, उसके घर पर जाकर उसे बताया कि वह विनय की सफलता पर अपना जीवन दांव पर लगा रहा है पेनकोस्की द्वारा सीआईए को प्रदान किए गए संदेशों और और पैकेजों को नियमित रूप से ले जाने के लिए विनय मास्को की अपनी की यात्राओं का उपयोग करना है हालांकि इसका इसका असर उसके निजी जीवन पर पड़ा जहां वे उत्तोजित व्यवहार करने लगा और जिससे उसकी पत्नी को लगता है कि शायद उसका कोई चक्कर चल रहा है पैनकोस कोवेस्की को पता चला कि सोवियत क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए परमाणु खतरे में बदलना चाहते हैं और तस्वीरों और सैन्य योजनाओं के साथ यह जानकारी सीआईए को देते हैं जो अत्यंत अपनी खुफिया जानकारी का उपयोग करके इसे सत्यापित करती है क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिकी अपने लाभ के लिए इस शुरुआती बढ़त का उपयोग करने में सक्षम है हालांकि सोवियत ने अपने स्वयं के दोहरे एजेंटों का उपयोग करते हुए महसूस किया कि उस उनके पास सूचना वैधता मॉस्को में में बिने को पता चलता है और उसे होटल के कमरे की तलाशी ली ली गई थी लेकिन पैनकोस्की को चेतावनी देने का मौका मिलने से पहले वह छोड़ देता है पैनकोस्की के भाग्य के बारे में चिंतित होकर क्या उसे पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए विद ने पैनकोस्की को दलब को दल बदल की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए मास्को वापस जाने के लिए एम आई सिक्स की सलाह खिलाफ स्वेच्छता से काम किया हालांकि सो, सोवियत से पहले पेनकोफ्की को जहर दिया गया था जब वह अस्पताल में था तो तब उसने उसके सामने तलाशी ली थी तो योजना के विफल कर दिया गया और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया विनय को जेल भेज दिया गया और जहाँ उसे कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ गया और वह दृढ़ता से अपनी बेगुनाही बरकरार करता रहा है यह दावा करते हैं कि वह पेनकोसकिस को केवल एक व्यापारी ग्राहक के रूप में जानता था जी, और नहीं जानता था उसके द्वारा विपरीत पैकेजों में क्या क्या था कई महीनों के बाद उसे अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मिलती है जो उसे बताती है कि सोवियत ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें हटा ली हो जिससे उसका मनोबल बढ़ बढ़ गया पूछताछ के दौरान वह जेल के पेनोस्किस से भी मिला और जो उसे बताता है कि उसके बलिदान हो इसके लायक था दोनों व्यक्ति भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि अप्रैल सन उन्नीस सन उन्नीस में देखा गया था कि और बताया गया कि पेनिस्को ने जो उससे वादा किया था वह उसके बारे में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को सोवियत जासूस कोनोन कोनोन मोलोडी के बदलने की रिहा कर दिया जाता है जो बातें सन उन्नीस सौ चौंसठ में थी वह लंदन लौट आया और यह भी पता किया कि पेनोस्की के देश विद्रोह का का मुकदमा चलाया था और मार डाला और एक एक अज्ञात कब्र पर दफन किया लेकिन उसने उसके परिवार को मॉस्को में रहने का अनुदाई दी थी भविष्य में भविष्य में परमाणु आपदाओं को रोकने और, और और अमेरिकी और सोवियत के अपने नेताओं के बीच एक संचार हॉटलाइन भी स्थापित की थी ढालना में देखा गया ग्रेवलिन विनय के रूप में बने बैने कैबरे कंबर बेचने के के ने किरदार निभाया ओलोग पैनको कोवस्की के रूप में मेरा निदिचे ने किरदार निभाया एमिली डोनोवन सी आई ए अधिकारी के रूप में राचियल ब्रोस ब्रोसन्नाहन ने किरदार निभाया की पत्नी शीला के रूप में जैसी बकले ने किरदार निभाया और डिक्की फ्रेकस एम आई सिक्स अधिकारी के रूप में एंगस राइट ने किरदार निभाया जेलको इवानिन के सीआईए निदेशक जोन ए मैकॉन के रूप में नजर आए ओले ग्रे ग्रिब, ग्रिबा के जीबी अधिकारी के रूप में केबीजी के तीसरे निदेशालय के प्रमुख के, के रूप में क्लेर पिरोगोव नजर आए और ब्रैटेड के रूप में एंटोन एंटोन लेसन ने दानेबाज और ओले की पत्नी के पैनकोस के रूप में मारिया मोनोरनो मिरोनोवा ने की दानेमा निकिता क्रुसे के रूप में वाला चोप्री कॉमने ने उत्पादन एक मई दो हजार अठारह को यह घोषणा की गई थी फिल्म एक्शन एंटरटेनमेंट टॉम ऑफ कोनर की एक स्क्रिप्ट में ब्रिटिश जासूस ग्रेवलिन विवने के बारे में फिल्म आयरन बर्ग का निर्माण करता है और डोमिनिक डौमी, युकूको और कॉनर रोड रोरी एटकेन के एडम को एडम ऑकलैंड जैसे वर्णिक लिया क्लास के साथ फिल्म का निर्देशन निर्माण करने के लिए था। फिल्म के जुड़ी प्रोडक्शन कंपनियों की शनिमार्च शामिल है प्रारंभिक उत्पादन घोटना के घोषणा के साथ साथ यह पुष्टि भी की गई कि बेनेडिक्स कंबरबेज को ग्रेविल विने के रूप में चुना गया था अक्टूबर 2018 को घोषणा की गई कि ब्रोसनाहन की जैसी बकले में मेरा निजी डेज एंग एंगस राइट और केरल्स पेरोगोव फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 अक्टूबर 2018 को लंदन में हुई और यह 7 दिसंबर 2018 तक चली संगीत एल एब एल कैर कोर कोरजेनी ओस्किक ने स्कोर किया था और लैक्सोर रिकॉर्ड ने मार्च 2021 को साउंड ट्रैक जारी किया था और ट्रैक लिस्टिंग के रिकॉर्डिट में साउंड ट्रैक डॉट नेट में अनुकूलित किया गया था इसके बाद बताया जाता है मुक्त करने में देखा गया फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 24 जनवरी 2020 को को आर्यन बार्के सिर के तहत सनडाउस फिल्म फेस्टिवल में हुआ कुछ ही समय बाद रोड साइड अट्रैक्शन और लाइसंगेट ने फिल्म के अमेरिकी वितरण अधिकार हासिल कर लिए और ने नाम द कुरियर के तहत फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका के 28 अगस्त 2020 को मूल नाटक रिलीज़ की गई थी और हालांकि कोविड 19 महामारी के कारण इसे 16 अक्टूबर 2020 तक विलंबित कर दिया गया और इसे यूनाइटेड किंगडम में 30 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया इसे फिर से 19 मार्च 2021 तक विलंबित कर दिया गया और अंत में तेरह अगस्त दो को फिर रिलीज किया गया था इसके बाद देखा गया कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देखा गया इसने कुरियर में संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा छह पॉइंट छह मिलियन डॉलर और अन्य जगहों पर उन्नीस पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर थी दुनिया भर में इसने ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर तक की ही कमाई कर पाई थी और अपने घरेलू से सप्ताह में इसने चौदह सौ तैंतीस थिएटरों में से वन पॉइंट नाइन मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही और फिल्म में अपने दूसरे स्थान सप्ताह में एक मिलियन डॉलर की कमाई की और इसके बाद अमीर बड़े जवाब में देखे गए समीक्षा रोन आ, रोटन टमाटोज पर फिल्म को दो सौ चौबीस समीक्षाओं के आधार पर सिक्स पॉइंट एट ओब्लिक टेन की औसत रेटिंग मिली और साथ ही एट्टी फाइव परसेंट के अनुमोदित रेटिंग के प्राप्त की और वेबसाइट के आलोचकों के सर्वसंपत्ति में लिखा गया द कुरियर एक रोमांचकारी और तथ्य आधारित कहानी और बेनेक्डिक्स कम्बर बेच के घबराहट पौर वाले केंद्रीय प्रदर्शन द्वारा उन्नत एक प्रभावशाली पुरानी स्कूल को जासूसी साहसिक कार्य को प्रस्तुत करता है जासूसी फिल्म है जो डोमोनिक्स कुक द्वारा निर्देशित और टॉम ओकोनर द्वारा द्वारा लिखित है फिल्म में बेनेडिक्स कै कम्बरबेच ने ग्रेविले विनय की भूमिका निभाई है और यह है एक ब्रिटिश व्यवसाय की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसे सन उन्नीस के दशक में मेरूशी जासूस स्त्रोत ओल ओलेकनकोसवी पानोस्की द्वारा के साथ एक संदेश माध्यम बनने बनाने के लिए गुप्त खुफिया सेवा द्वारा भर्ती किया गया था और रचल ब्रोस ब्रोसनहान जै, जैसी का बकले और एंगस राइट भी अभिनय करते हैं फिल्म का निर्देशक डोमिनिक युकुक है और लेखक है टॉम ओकोनर है उत्पादित है एडम ओकलैंड और बेन ब्राउनिंग बेन बुथ और रे, रेडी टेक्केन अभिनीति है बेनेडिक्स कांवर बेच की मेरब नदीचे की रोचेल ब्रोशन नाहन की जैसी कबले एंगस राइट्स छायांकन है सोन बॉबिट के संपादित किया गया तारिक अनवर और स्किल द्वारा संगीत है हबिल कौर जेनी ओस्की द्वारा उत्पादन कंपनी एट फोर्टी टू फिल्म फिल्म नेशन इंटरटेनमेंट सनी सेनी मार्च वितरित किया गया लॉयंस गेट और सड़क किनारे के आकर्षण रिलीज की तारीख चौबीस जनवरी दो को सन डांस में चौनीस मार्च दो हज़ार इक्कीस को संयुक्त राज्य अमेरिका में और तेरह अगस्त दो हजार इक्कीस को यूनाइटेड किंगडम में कार्यक्रम एक सौ ग्यारह मिनट देश यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी द कोरियर का विश्व परिमर उसके मूल शीर्षक आयन बार के तहत चौबीस जनवरी 2020 को संडास फिल्म फेस्टिवल में हुआ था इसे मार्च 2021 को संयुक्त तो राज्य अमेरिका में तेरह अगस्त 2021 को यूनाइटेड किंगडम में नाटक के रूप में रिलीज किया गया था फिल्म को आमतौर पर अनुकूल समीक्षाएं मिली और आलोचकम कथानक सन उन्नीस के शीर्षक में गुप्त परमाणु जानकारी के पथक पहुँचने तक पहुँच रखने वाले एक उच्च रैकिंग वाले सोवियत अधिकारी और जी खुफिया अधिकारी ओलेग पैन को को का संयुक्त तो राज्य अमेरिका के साथ परमाणु युद्ध में बढ़ते खतरे के मजेंदर खेवेज के नेत्र को भाग में जाता है और सीआईए के पास पहुंचता है और ऐसी जानकारी प्रदान करने की पेशकश करता है जो उस स्थिति को कम करने में मदद कर सकती है और सीआईए और एम आई सिक्स के निर्णय लिया कि बेहतर होगा कि किसी अधिकारी का उपयोग न किया जाए और इसके बजाय एक साधारण व्यवसायी को माध्यम रूप से कार्य कराया जाएगा एक वाणिज्यिक अवसरों की खोज के बहाने मॉस्को जाने के लिए सेल्समैन ग्रेवलो विने के संपर्क करते हैं और विने पेन कोस्की के साथ सामान्य व्यवसायिक संबंध बना स्थापित करता है जो पेनेस कोस्की उन्हें जानकारी देने के लिए पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के साथ व्यवस्था वे करते हैं और पूछता है कि वेनय को अपने नियमित कुरियर के रूप में उपयोग करने उपयोग करना जारी रखे यह तर्क देते हुए कि वह सोवियत और के सोवियत के रडार के तहत शुरू से कार्य का विरोध करने के बाद बिना विनय अत्यंत सहमत हो गया और आंशिक रूप से सीआई अधिकारी एडी एमिली डोनोवन द्वारा इस बात पर जोर देने का बात की कि उसके प्रयासों से परमाणु युद्ध को रोकने की मदद मिल सकती है और पेनस्कोस्की कोस के बारे उसके घर पर जाकर उसे बताया कि वह विनय की सफलता पर अपना जीवन दांव पर लगा रहा है पेनकोस्की द्वारा सीआईए को प्रदान किए गए संदेशों और और पैकेजों को नियमित रूप से ले जाने के लिए विनय मास्को की अपनी व्यवसायिक यात्राओं का उपयोग करना है हालांकि इसका इसका असर उसके निजी जीवन पर पड़ा जहां वे उत्तोजित व्यवहार करने लगा और जिससे उसकी पत्नी को लगता है कि शायद उसका कोई चक्कर चल रहा है पैनकोवेस्की को पता चला कि सोवियत क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए परमाणु खतरे में बदलना चाहते हैं और तस् तस्वीरों और सैन्य योजनाओं के साथ यह जानकारी सी को देते हैं जो अत्यंत अपनी खुफिया जानकारी का उपयोग करके इसे सत्यापित करती है क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिकी अपने लाभ के लिए इस शुरुआती बढ़त का उपयोग करने में सक्षम है हालांकि सोवियत ने अपने स्वयं के दोहरे एजेंटों का उपयोग करते हुए महसूस किया कि उस उनके पास सूचना वैधता मॉस्को में बिने को पता चलता है और उसे होटल के कमरे की तलाशी ली ली गई थी लेकिन पैनकोस्की को चेतावनी देने का मौका मिलने से पहले वह छोड़ देता है पैनकोस्की के भाग्य के बारे में चिंतित होकर क्या उसे पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए ने पैनकोस्की को दलब को दल बदल की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए मास्को वापस जाने के लिए एम आई सिक्स की सलाह खिलाफ स्वेच्छता से काम किया हालांकि सोवियत से पहले पैनकोफ्सकी को जहर दिया गया था जब वह अस्पताल में था तो तब उसने उसके सामने तलाशी ली थी तो योजना के विफल कर दिया गया और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया विनय को जेल भेज दिया गया और जहाँ उसे कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया और वह दृढ़ता से अपनी बेगुनाही बरकरार करता रहा यह है, है, दावा करते हैं कि वह पेनकोस्किस को केवल एक व्यापारिक ग्राहक के रूप में जानता था जी। और नहीं जानता था उसके द्वारा विपरीत पैकेजों में क्या क्या था कई महीनों के बाद उसे अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मिलती है जो उसे बताती है कि सोवियत ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें हटा ली हो जिससे उसका मनोबल बढ़ गया बढ़ गया पूछताछ के दौरान वह जेल के पेनोसिस से भी मिला और जो उसे बताता है कि उसके बलिदानों इसके लायक था व्यक्ति भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि अप्रैल सन उन्नीस सौ सन उन्नीस में देखा गया था कि और बताया गया कि पेनिस्को ने जो उससे वादा किया था वह उसके बारे में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को सोवियत जासूस कोनोन मोलोड़ी के बदलने की रिहा कर दिया जाता है जो बातें सन उन्नीस सौ चौसठ में थी वह लंदन लौट आया और यह भी पता किया कि पेनोस्की के देश विद्रोह का का मुकदमा चलाया था और मार डाला और एक एक अज्ञात कब्र पर दफन किया लेकिन उसने उसके परिवार को मॉस्को में रहने का अनुदायी दी थी भविष्य में भविष्य में परमाणु आपदाओं को रोकने और, और और अमेरिकी और सोवियत के अपने नेताओं के बीच एक संचार हॉटलाइन भी स्थापित की थी ढालना में देखा गया ग्रेवलिन विनय के रूप में बने डिस्क डिस्कैबरे कंबर बेचने के को, के ने किरदार निभाया ओलोग पैनको कोवस्की के रूप में मेरा निदिचे ने किरदार निभाया एमिली डोनोवन सी अधिकारी के रूप में राचल ब्रोस ब्रोसन्नाह ने किरदार निभाया वैनिक की पत्नी सीला के रूप में जैसी बकले ने किरदार निभाया और डिक्की फ्रेकस एम आई सिक्स अधिकारी के रूप में एंगस राइट ने किरदार निभाया जेलको इवानिन के सीआईए निदेशक जोन ए में के रूप में नजर आए ओले ग्रे ग्रिब, ग्रिबा के जीबी अधिकारी के रूप में केबीजी के तीसरे निदेशालय के, के प्रमुख के रूप में क्लेर पिरोगोव नजर आए और ब्रैटेड के रूप में एंटोन एंटोन लेसन इनकी धन्यवाद ओलेग की पत्नी के पैनकोस के रूप में मारिया मोनोरनो मिरोनोवा ने की धन्यवाद निकिता के रूप वा 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 में वाला चोपरी कौम ने उत्पादन एक मई दो हज़ार अठारह को यह घोषणा की गई थी फिल्म एक्शन एंटरटेनमेंट टॉम ऑफ कोनर की एक स्क्रिप्ट में ब्रिटिश जासूस ग्रेवलिन बिवने के बारे में फिल्म आयरन बॉक का निर्माण करता है और डोमिनिक युकूको और कॉनर रोड एर, रोरी के एडम को एडम ऑकलैंड जैसे वर्णिक लिया क्लास के साथ फिल्म का निर्देशन निर्माण करने के लिए तैयारता फिल्म के जुड़ी प्रोडक्शन कंपनियों की शनिमार्च शामिल है प्रारंभिक उत्पादन घोटना के घोषणा के साथ साथ यह पुष्टि भी की गई कि बेनेडिक्स कम्बरबेज को ग्रेविल विने के रूप में चुना गया था अक्टूबर दो को घोषणा की गई कि राचेल ब्रोसनाहन के जैसी बकले में मेरा निजी डेज एंग एंगस राइट और केरल्स पेरोगोव फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 अक्टूबर 2018 को लंदन में हुई और यह 7 दिसंबर 2018 तक चली संगीत एब एल कैर कोर, कोर जेनी ओस्किक ने स्कोर किया था और लैक्सोर रिकॉर्ड ने मार्च 2021 को साउंड ट्रैक जारी किया था और ट्रैक लिस्टिंग के रिकॉर्डिट में साउंड ट्रैक डॉट नेट में अनुकूलित किया गया था इसके बाद बताया जाता है मुक्त करने में देखा गया फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर चौबीस जनवरी 2020 को को आर्यन के सिर के तहत संडाउस फिल्म फेस्टिवल में हुआ कुछ ही समय बाद रोड साइड अट्रैक्शन और लाइसंगेट ने फिल्म के अमेरिकी वितरण अधिकार हासिल कर लिए और नए नाम द कुरियर के तहत फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका के 28 अगस्त 2020 को मूल नाटके रिलीज़ की गई थी और हालांकि कोविड 19 महामारी के कारण इसे 16 अक्टूबर 2020 तक विलंबित कर दिया गया और इसे यूनाइटेड किंगडम में 30 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया इसे फिर से 19 मार्च 2021 तक विलंबित कर दिया गया और अंत में तेरह अगस्त दो को फिर रिलीज किया गया था इसके बाद देखा गया कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देखा गया इसने कुरियर में संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा छह पॉइंट छह मिलियन डॉलर और अन्य जगहों पर उन्नीस पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर तक कि दुनिया भर में इसने ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर पाई थी और अपने घरेलू श्रोती सप्ताह में इसने चौदह थिएटरों में से वन मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही और फिल्म फिल्में अपने दूसरे सप्ताह में एक मिलियन डॉलर की कमाई की और इसके बाद अमीर इस बारे जवाब में देखे गए समीक्षा एग्रिएटर रोन आ, रोटन टमाटोज पर फिल्म को दो सौ चौबीस समीक्षाओं के आधार पर सिक्स पॉइंट एट ओबलिक टेन की औसत रेटिंग मिली और साथ ही एट्टी फाइव परसेंट के अनुमोदित रेटिंग के प्राप्त की और वेबसाइट के आलोचकों के सर्वसंपत्ति में लिखा गया द कुरियर एक रोमांचकारी और तथ्य आधारित कहानी और बेनेक्डिक्स कम्बर बेच के घबराहट पर वाले केंद्रीय प्रदर्शन द्वारा उन्नत एक प्रभावशाली पुराने स्कूल के जासूसी साहसिक कार्य को, को प्रस्तुत करता है जासूसी फिल्म है जो डोमिनिक्स कुक द्वारा निर्देशित और टॉम ओकोनर द्वारा लिखित है फिल्म में बेनेडिक्स कंबरबेच ने ग्रे, ग्रेविले विनय की भूमिका निभाई है और यह है एक ब्रिटिश व्यवसाय की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसे सन उन्नीस के दशक में मेरूशी जासूस द्वारा उल, के साथ एक संदेश माध्यम बनाने के लिए गुप्त खुफिया सेवा द्वारा भर्ती किया गया था और रचियल ब्रोस ब्रोस जे जैसी बकले और एंगस राइट भी अभिनय करते हैं फिल्म का निर्देशक डोमिनिक यूकुक है और लेखक है टॉम ओक -को, ओकोनर है उत्पादित है एडम ओकलैंड और बेन ब्राउनिंग बेन बुथ और रे, रेडी टेक्केन अभिनीति है बेनेडिक्स कामवर बेच की मेर, मेरा निर्दीचे की रोचेल ब्रोशन नाहन की जैसी कबले एंगस राइट्स छायांकन है सोन बॉबिट के संपादित किया गया तारिक अनवर और गैरसिस्केल द्वारा संगीत है हाबिल कौर जेनी ओस्की द्वारा उत्पादन कंपनी एट फोर्टी टू फिल्म फिल्म नेशन सन सनी सेनी मार्च वितरित किया गया लॉयंस गेट और सड़क किनारे के आकर्षण रिलीज की तारीख चौबीस जनवरी दो को सन सनडांस में चौन्नीस मार्च दो को संयुक्त राज्य अमेरिका में और तेरह अगस्त दो को यूनाइटेड किंगडम में कार्यक्रम एक सौ ग्यारह मिनट तेस यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी द कोरियर का विश्व प्रीमर उसके मूल शीर्षक आयन बार के तहत चौबीस जनवरी 2020 को संडास फिल्म फेस्टिवल में हुआ था इसे मार्च 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में तेरह अगस्त 2021 को यूनाइटेड किंगडम में नाट्य रूप में रिलीज किया गया था फिल्म को आमतौर पर अनुकूल समीक्षाएं मिली और आलोचकम कथनक सन उन्नीस के शीर्षक में गुप्त परमाणु जानकारी के तक पहुँचने तक पहुँच रखने वाले एक उच्च रैकिंग वाले सहोवियत अधिकारी और जी खुफिया अधिकारी ओलेग पैन पैनकोस का संयुक्त तो राज्य अमेरिका के साथ परमाणु युद्ध में बढ़ते खतरे के मजे मजेंदर खेवेज के नेत्र को होम भाग में जाता है और सीआईए के पास पहुंचता है और ऐसी जानकारी प्रदान करने की पेशकश करता है जो उस स्थिति को कम करने में मदद कर सकती है और सीआईए और एम आई सिक्स के निर्णय लिया कि बेहतर होगा कि किसी अधिकारी का उपयोग न किया जाए और इसके बजाय एक साधारण व्यवसायी को माध्यम रूप से कार्य कराया जाएगा एक वाणिज्यिक अवसरों की खोज के बहाने मॉस्को जाने के लिए विने के के संपर्क करते हैं और के साथ सामान्य व्यवसायिक संबंध बना स्थापित करता है जो पेनेसकोस्की कोस्की उन्हें जानकारी देने के लिए पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के साथ व्यवस्था करते हैं और पूछता है कि मैंने को अपने नियमित कुरियर के रूप में उपयोग करने उपयोग करना जारी रखे यह तर्क देते हुए कि वह सोवियत और के के सोवियत के रडार के तहत शुरू से कार्य का विरोध करने के बाद सहमत हो गया और रूप से सीआई अधिकारी एमिली डोनोवन द्वारा इस बात पर जोर देने का बाद उसके प्रयासों से परमाणु युद्ध को रोकने की मदद मिल सकती है और पेनस्कोस्की को उसके बारे उसके घर पर जाकर उसे बताया कि वह विनय की सफलता पर अपना जीवन दाव पर लगा रहा है पैनकोस्की द्वारा सी आई ए को प्रदान किए गए संदेशों और और पैकेजों को नियमित रूप से ले जाने के लिए विनय भी, मास्को की अपनी व्यावसायिक यात्राओं का उपयोग करना है हालांकि इसका इसका असर उसके निजी जीवन पर पड़ा जहां वे उत्तोजित व्यवहार करने लगा और जिससे उसकी पत्नी को लगता है कि शायद उसका कोई चक्कर चल रहा है पैनकोस कोवस्की को पता चला कि सोवियत क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए परमाणु खतरे में बदलना चाहते हैं तस, तस्वीर और तस्वीरें और सैन्य योजनाओं के साथ यह जानकारी सीआईए को देते हैं जो अत्यंत अपनी खुफिया जानकारी का उपयोग करके इसे सत्यापित करती है क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिकी अपने तो लाभ के लिए इस शुरुआती बढ़त का उपयोग करने में सक्षम है हालांकि सोवियत ने अपने स्वयं के दोहरे एजेंटों का उपयोग करते हुए महसूस किया कि उस, उनके पास सूचना वैधता मॉस्को में, में बिने को पता चलता है और उसे होटल के कमरे की तलाशी ली ली गई थी लेकिन पैनकोस्की को चेतावनी देने का मौका मिलने से पहले वह छोड़ देता है पैनकोस्की के भाग्य के बारे में चिंतित होकर क्या उसे पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए विद ने पैनकोस्की को दलब को दल बदल की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए मास्को वापस जाने के लिए एम आई सिक्स की सलाह खिलाफ स्वेच्छता से काम किया हालांकि सो, सोवियत से पहले पैनकोफ्की को जहर दिया गया था जब वह अस्पताल में था तो तब उसने उसके सामने तलाशी ली थी तो योजना के विफल कर दिया गया और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया विनय को जेल भेज दिया गया और जहाँ उसे कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया और वह दृढ़ता से अपनी बेगुनाही बरकरार करता रहा है यह दावा करते हैं कि वह पेनकोसकिस को केवल एक व्यापारी ग्राहक के रूप में जानता था जी। और नहीं जानता था उसके द्वारा विपरीत पैकेजों में क्या क्या था कई महीनों के बाद उसे अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मिलती है जो उसे बताती है कि सोवियत ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें हटा ली और जिससे उसका मनोबल बढ़ गया। बढ़ गया पूछताछ के दौरान वह जेल के पेनोस्किस से भी मिला और जो उसे बताता है कि उसके बलिदान हो इसके लायक था दोनों व्यक्ति भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि अप्रैल सन उन्नीस सन उन्नीस में देखा गया था कि और बताया गया कि पेनिस्को ने जो उससे वादा किया था वह उसके बारे में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को सोवियत जासूस कोनोन कोनोन मोलोडी के बदलने की रिहा कर दिया जाता है जो बातें सन उन्नीस सौ चौंसठ में थी वह लंदन लौट आया और यह भी पता किया कि पेनोस्की के देश विद्रोह का का मुकदमा चलाया था और मार डाला और एक एक अज्ञात कब्र पर दफन किया लेकिन उसने उसके परिवार को मॉस्को में रहने का अनुदाई दी थी भविष्य में भविष्य में परमाणु आपदाओं को रोकने और, और और अमेरिकी और सोवियत के अपने नेताओं के बीच एक संचार हॉटलाइन भी स्थापित की थी ढालना में देखा गया ग्रेवलिन विनय के रूप में बने बैने कैबरे कंबर बेचने के किरदार निभाया ओलोग पैनको कोवस्की के रूप में मेरा निदिचे ने किरदार निभाया एमिली डोनोवन सी आई ए अधिकारी के रूप में राचल ब्रोस ब्रोसन्नाहन ने किरदार निभाया की पत्नी शीला के रूप में जैसी बकले ने किरदार निभाया और डिक्की फ्रेकस एम आई सिक्स अधिकारी के रूप में एंगस राइट ने किरदार निभाया जेलको इवानिन के सीआई निदेशक जोन ए मेकोन के रूप में नजर आए ओले ग्रे ग्रिब, ग्रिबा के जीबी अधिकारी के रूप में केबीजी के तीसरे निदेशालय के, के प्रमुख के रूप में क्लेर पिरोगोव नजर आए और ब्रैटेड के रूप में एंटोन एंटोन लेसन इनकी दानेबाजा ओलेग की पत्नी के पैनकोस के रूप में मार्टिया मनो मनो मिरोनोवा ने की दानेबाजा निकिता के में वीर ने उत्पादन एक मई दो हजार अठारह को यह घोषणा की गई थी फिल्म एक्शन एंटरटेनमेंट टॉम ऑफ कोनर की स्क्रिप्ट में ब्रिटिश जासूस ग्रेवलिन विवने के बारे में फिल्म आयरन बर्ग का निर्माण करता है और डोमिनिक डौमी, यूकूको और कॉनर रोड एर, रोरी एटकेन के एडम को एडम ऑकलैंड जैसे वर्णिक लिया क्लास के साथ फिल्म का निर्देशन निर्माण करने के लिए तैयार फिल्म के जुड़ी प्रोडक्शन कंपनियों की शनिमार्च शामिल है प्रारंभिक उत्पादन के घोषणा के साथ साथ यह पुष्टि भी की गई कि बेनेडिक्स कंबरबेज को ग्रेविल विने के रूप में चुना गया था अक्टूबर दो को घोषणा की गई कि राचेल ब्रोसनाहन की जैसी के बकले में मेरा निजी डेज एंग एंगस राइट और केरल्स पेरोगोव फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 अक्टूबर 2018 को लंदन में हुई और यह 7 दिसंबर 2018 तक चली संगीत एल एब एल कैर कोर कोर जेनी ने स्कोर किया था और लैक्सोर रिकॉर्ड ने मार्च 2021 को साउंड ट्रैक जारी किया था और ट्रैक लिस्टिंग के रिकॉर्डिट में साउंड ट्रैक डॉट नेट में अनुकूलित किया गया था इसके बाद बताया जाता है मुक्त करने में देखा गया फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर चौबीस जनवरी 2020 को को आर्यन बार्के सिर के तहत सनडाउस फिल्म फेस्टिवल में हुआ कुछ ही समय बाद रोड साइड अट्रैक्शन और लाइसंगेट ने फिल्म के अमेरिकी वितरण अधिकार हासिल कर लिए और ने नाम द कुरियर के तहत फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका के 28 अगस्त 2020 को मूल नाटक रिलीज़ की गई थी और हालांकि कोविड 19 महामारी के कारण इसे 16 अक्टूबर 2020 तक विलंबित कर दिया गया और इसे यूनाइटेड किंगडम में 30 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया इसे फिर से 19 मार्च 2021 तक विलंबित कर दिया गया और अंत में तेरह अगस्त दो को फिर रिलीज किया गया था इसके बाद देखा गया कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देखा गया इसने कुरियर में संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा छह पॉइंट छह मिलियन डॉलर और अन्य जगहों पर उन्नीस पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर थी दुनिया भर में इसने ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर तक की ही कमाई कर पाई थी और अपने घरेलू शुरू सप्ताह में इसने चौदह सौ तैंतीस थिएटरों में से वन पॉइंट नाइन मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही और फिल्म में अपने दूसरे सप्ताह में एक मिलियन डॉलर की कमाई की और इसके बाद अमीर बारे जवाब में देखे गए समीक्षा रोन आ, रोटन टमाटोज पर फिल्म को दो सौ चौबीस समीक्षाओं के आधार पर सिक्स पॉइंट एट ओब्लिक टेन की औसत रेटिंग मिली और साथ ही एट्टी फाइव परसेंट के अनुमोदित रेटिंग के प्राप्त की और वेबसाइट के आलोचकों के सर्वसंपत्ति में लिखा गया द कुरियर एक रोमांचकारी और तथ्य आधारित कहानी और बेनेक्डिक्स कम्बर बेच के घबराहट पौर वाले केंद्रीय प्रदर्शन द्वारा उन्नत एक प्रभावशाली पुरानी स्कूल को जासूसी साहसिक कार्य को प्रस्तुत करता है जासूसी फिल्म है जो डोमोनिक्स कुक द्वारा निर्देशित और टॉम ओकोनर द्वारा द्वारा लिखित है फिल्म में बेनेडिक्स कम्बरबेच ने ग्रेविले विनय की भूमिका निभाई है और यह है एक ब्रिटिश व्यवसाय की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसे सन उन्नीस के दशक में मेरूशी जासूस स्त्रोत ओल ओलेकनकोसवी पानोस्की द्वारा के साथ एक संदेश माध्यम बनने बनाने के लिए गुप्त खुफिया सेवा द्वारा भर्ती किया गया था और रचल ब्रोस ब्रोसनहान जै, जैसी का बकले और एंगस राइट भी अभिनय करते हैं फिल्म का निर्देशक डोमिनिक युकुक है और लेखक है टॉम ओकोनर है उत्पादित है एडम ओकलैंड और बेन ब्राउनिंग बेन बुथ और रे, रेडी टेक्केन अभिनीति है बेनेडिक्स कांवर बेच की मेर मेरब नदीचे की रोचेल ब्रोशन नाहन की जैसी कबले एंगस राइट्स छायांकन है सोन बॉबिट के संपादित किया गया तारिक अनवर और गैर सी द्वारा संगीत है हाबिल कौर जेनी ओस्की द्वारा उत्पादन कंपनी एट फोर्टी टू फिल्म फिल्म ने सनी इंटरटेनमेंट मार्च वितरित किया गया लॉयंस गेट और सड़क किनारे के आकर्षण रिलीज की तारीख चौबीस जनवरी दो को सन सनडांस में चौनीस मार्च दो हज़ार इक्कीस को संयुक्त राज्य अमेरिका में और तेरह अगस्त दो हजार इक्कीस को यूनाइटेड किंगडम में कार्यक्रम एक सौ ग्यारह मिनट देश यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी द कोरियर का विश्व परिमर उसके मूल शीर्षक आयन बार के तहत चौबीस जनवरी 2020 को संडास फिल्म फेस्टिवल में हुआ था इसे मार्च 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में तेरह अगस्त 2021 को यूनाइटेड किंगडम में नाटक के रूप में रिलीज किया गया था फिल्म को आमतौर पर अनुकूल समीक्षाएं मिली और आलोचकम कथनक सन उन्नीस के शीर्षक में गुप्त परमाणु जानकारी के पथक पहुँचने तक पहुँच रखने वाले एक उच्च रैकिंग वाले सोवियत अधिकारी और जी खुफिया अधिकारी ओलेग पैन को को का संयुक्त तो राज्य अमेरिका के साथ परमाणु युद्ध में बढ़ते खतरे के मजेंदर खेवेज के नेत्र को भाग में जाता है और सीआईए के पास पहुंचता है और ऐसी जानकारी प्रदान करने की पेशकश करता है जो उस स्थिति को कम करने में मदद कर सकती है और सीआईए और एम आई सिक्स के निर्णय लिया कि बेहतर होगा कि किसी अधिकारी का उपयोग न किया जाए और इसके बजाय एक साधारण व्यवसायी को माध्यम रूप से कार्य कराया जाएगा एक वाणिज्यिक अवसरों की खोज के बहाने मॉस्को जाने के लिए सेल्समैन ग्रेवलो विने के संपर्क करते हैं और विनय पेन कोस्की के साथ सामान्य व्यवसायिक संबंध बना स्थापित करता है जो पेनेस कोस्की उन्हें जानकारी देने के लिए पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के साथ व्यवस्था वे करते हैं और पूछता है कि वेनय को अपने नियमित कुरियर के रूप में उपयोग करने उपयोग करना जारी रखें यह तर्क देते हुए कि वह सोवियत और के सोवियत के रडार के तहत शुरू से कार्य का विरोध करने के बाद बिना विनय अत्यंत सहमत हो गया और आंशिक रूप से सीआई अधिकारी एडी एमिली डोनोवन द्वारा इस बात पर जोर देने का बात की है कि उसके प्रयासों से परमाणु युद्ध को रोकने की मदद मिल सकती है और पेनस्कोस्की कोस के बारे उसके घर पर जाकर उसे बताया कि वह विनय की सफलता पर अपना जीवन दांव पर लगा रहा है पेनकोस्की द्वारा सीआईए को प्रदान किए गए संदेशों और और पैकेजों को नियमित रूप से ले जाने के लिए विनय मास्को की अपनी व्यवसायिक यात्राओं का उपयोग करना है हालांकि इसका इसका असर उसके निजी जीवन पर पड़ा जहां वे उत्तोजित व्यवहार करने लगा और जिससे उसकी पत्नी को लगता है कि शायद उसका कोई चक्कर चल रहा है पैनको को पता चला कि सोवियत क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए परमाणु खतरे में बदलना चाहते हैं और तस्वीरों और सैन्य योजनाओं के साथ यह जानकारी सी को देते हैं जो अत्यंत अपनी खुफिया जानकारी का उपयोग करके इसे सत्यापित करती है क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिकी अपने लाभ के लिए इस शुरुआती बढ़त का उपयोग करने में सक्षम है हालांकि सोवियत ने अपने स्वयं के दोहरे एजेंटों का उपयोग करते हुए महसूस किया कि उस उनके पास सूचना वैधता मॉस्को में बिने को पता चलता है और उसे होटल के कमरे की तलाशी ली ली गई थी लेकिन पैनकोस्की को चेतावनी देने का मौका मिलने से पहले वह छोड़ देता है पैनकोस्की के भाग्य के बारे में चिंतित होकर क्या उसे पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए ने पैनकोस्की को दलब को दल बदल की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए मास्को वापस जाने के लिए एम आई सिक्स की सलाह खिलाफ स्वेच्छता से काम किया हालांकि सो, सोवियत से पहले पैनकोफ्सकी को जहर दिया गया था जब वह अस्पताल में था तो तब उसने उसके सामने तलाशी ली थी तो योजना के विफल कर दिया गया और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया विनय को जेल भेज दिया गया और जहाँ उसे कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया और वह दृढ़ता से अपनी बेगुनाही बरकरार करता रहा यह है, है, दावा करते हैं कि वह पेनकोस्किस को केवल एक व्यापारिक ग्राहक के रूप में जानता था जी। और नहीं जानता था उसके द्वारा विपरीत पैकेजों में क्या क्या था कई महीनों के बाद उसे अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मिलती है जो उसे बताती है कि सोवियत ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें हटा ली हो जिससे उसका मनोबल बढ़ गढ़ गया, गया पूछताछ के दौरान वह जेल के पेनोस्किस से भी मिला और जो उसे बताता है कि उसके बलिदान इसके लायक था व्यक्ति भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि अप्रैल सन उन्नीस सौ सन उन्नीस में देखा गया था कि और बताया गया कि पेनिस्को ने जो उससे वादा किया था वह उसके बारे में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को सोवियत जासूस कोनोन मोलोड़ी के बदलने की रिहा कर दिया जाता है जो बातें सन उन्नीस सौ में थी वह लंदन लौट आया और यह भी पता किया कि पेनोस्की के देश विद्रोह का का मुकदमा चलाया था और मार डाला और एक एक अज्ञात कब्र पर दफन किया लेकिन उसने उसके परिवार को मॉस्को में रहने का अनुदायी दी थी भविष्य में भविष्य में परमाणु आपदाओं को रोकने और, और और अमेरिकी और सोवियत के अपने नेताओं के बीच एक संचार हॉटलाइन भी स्थापित की थी ढालना में देखा गया ग्रेवलिन विनय के रूप में बने बैने डिस्कैबरे कंबर बेचने के को, के ने किरदार निभाया ओलोग पैनको कोवस्की के रूप में मेरा निदिचे ने किरदार एमिली डोनोवन सी अधिकारी के रूप में राचल ब्रोस ब्रोसन्नाह ने किरदार निभाया वैनिक की पत्नी शीला के रूप में जैसी बकले ने किरदार निभाया और डिक्की फ्रेकस एम आई सिक्स अधिकारी के रूप में एंगस राइट ने किरदार निभाया जेलको इवानिन के सीआईए निदेशक जोन ए मैकॉन के रूप में नजर आए ओले ग्रे ग्रिब, ग्रिबा के जीबी अधिकारी के रूप में केबीजी के तीसरे निदेशालय के, के प्रमुख के रूप में क्लिर पिरोगोव नजर आए और ब्रैटेड के रूप में एंटोन एंटोन लेसन के धन्यवादा ओले की पत्नी के पैनकोस के रूप में मारिया मोनोरनो मिरोनोवा ने की धन्यवादा निकिता के वीर चोपरी कोम ने उत्पादन एक मई दो हज़ार अठारह को यह घोषणा की गई थी फिल्म एक्शन एंटरटेनमेंट टॉम ऑफ कोनर की एक स्क्रिप्ट में ब्रिटिश जासूस ग्रेवलिन बिवने के बारे में फिल्म आयरन बॉक का निर्माण करता है और डोमिनिक डौमी, युकूको और कॉनर रोड एर, रोरी एटकेन के एडम को एडम ऑकलैंड जैसे वर्णिक लिया क्लास के साथ फिल्म का निर्देशन निर्माण करने के लिए तैयार था फिल्म के जुड़ी प्रोडक्शन कंपनियों की शनिमार्च शामिल है प्रारंभिक उत्पादन घोटा के घोषणा के साथ साथ यह पुष्टि भी की गई कि बेनेडिक्स कंबरबेज को ग्रेविल विने के रूप में चुना गया था अक्टूबर 2018 को घोषणा की गई कि राचेल ब्रोसनाहन की जैसी के बकले में मेरा निजी डेज एंग, एंगस राइट और केरल्स पेरोगोव फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 अक्टूबर 2018 को लंदन में हुई और यह 7 दिसंबर 2018 तक चली संगीत एल, ए, एबेल एब एल जेनी ओस्किक ने स्कोर किया था और लैक्सोर रिकॉर्ड ने मार्च 2021 को साउंड ट्रैक जारी किया था और ट्रैक लिस्टिंग के रिकॉर्ड में साउंड ट्रैक डॉट नेट में अनुकूलित किया गया था इसके बाद बताया जाता है मुक्त करने में देखा गया फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 24 जनवरी 2020 को को आर्यन के सिर के तहत संडाउस फिल्म फेस्टिवल में हुआ कुछ ही समय बाद रोड साइड अट्रैक्शन और लाइसंगेट ने फिल्म के अमेरिकी वितरण अधिकार हासिल कर लिए और नए नाम द कुरियर के तहत फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका के 28 अगस्त 2020 को मूल नाटके रिलीज़ की गई थी और हालांकि कोविड 19 महामारी के कारण इसे 16 अक्टूबर 2020 तक विलंबित कर दिया गया और इसे यूनाइटेड किंगडम में 30 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया इसे फिर से 19 मार्च 2021 तक विलंबित कर दिया गया और अंत में तेरह अगस्त दो को फिर रिलीज किया गया था इसके बाद देखा गया कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देखा गया इसने कुरियर में संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा छह पॉइंट छह मिलियन डॉलर और अन्य जगहों पर उन्नीस पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर तक कि दुनिया भर में इसने ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर तक की ही कमाई कर पाई थी और अपने घरेलू श्रोती सप्ताह में इसने चौदह थिएटरों में से वन मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही और फिल्म फिल्में अपने दूसरे सप्ताह में एक मिलियन डॉलर की कमाई की और इसके बाद अमीर इस बारे जवाब में देखे गए समीक्षा रोन आ, रोटन टमाटोज पर फिल्म को दो सौ चौबीस समीक्षाओं के आधार पर सिक्स पॉइंट एट ओब्लिक टेन की औसत रेटिंग मिली और साथ ही एट्टी फाइव परसेंट के अनुमोदित रेटिंग के प्राप्त की और वेबसाइट के आलोचकों के सर्वसंपत्ति में लिखा गया द कुरियर एक रोमांचकारी और तथ्य आधारित कहानी और बेनेडिक्स कमरबेच के घबराहट पौर वाले केंद्रीय प्रदर्शन द्वारा उन्नत एक प्रभावशाली पुराने स्कूल के जासूसी साहसिक कार्य को प्रस्तुत करता है जासूसी फिल्म है जो डोमोनिक्स कुक द्वारा निर्देशित और टॉम ओकोनर द्वारा लिखित है फिल्म में बेनेडिक्स के ने ग्रे, ग्रेविले विनय की भूमिका निभाई है और यह एक ब्रिटिश व्यवसाय की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसे सन उन्नीस के दशक में मेरूशी जासूस स्त्रोत ओल ओलेकनकोसवी पानोस्की द्वारा के साथ एक संदेश माध्यम बनने बनाने के लिए गुप्त खुफिया सेवा द्वारा भर्ती किया गया था और रचल ब्रोस नहन जै, जैसी का बकले और एंगस राइट भी अभिनय करते हैं फिल्म का निर्देशक डोमिनिक युकुक है और लेखक है टॉम ओकोनर को, है उत्पादित है एडम ओकलैंड और बेन ब्राउनिंग बेन बुथ और रे, रेडी टेक्केन अभिनीति है बेनेडिक्स कांवर बेच की मेर, नदीचे की रोचेल ब्रोशन नाहन की जैसी कबले एंगस राइट्स छायांकन है सोन बॉबिट के संपादित किया गया तारिक अनवर और गैर सी स्केल द्वारा संगीत है हाबिल कौर जेनी ओस्की द्वारा उत्पादन कंपनी एट फोर्टी टू फिल्म फिल्म नेशन इंटरटेनमेंट सनी सनी मार्च वितरित किया गया लॉयंस गेट और सड़क किनारे के आकर्षण रिलीज की तारीख चौबीस जनवरी दो को सन डांस में उन्नीस मार्च दो हजार इक्कीस को संयुक्त राज्य अमेरिका में और तेरह अगस्त दो हजार इक्कीस को यूनाइटेड किंगडम में कार्यक्रम एक सौ ग्यारह मिनट यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी द कोरियर का विश्व प्रीमियर उसके मूल शीर्षक आयन बार के तहत चौबीस जनवरी 2020 को संडास फिल्म फेस्टिवल में हुआ था इसे मार्च 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में तेरह अगस्त 2021 को यूनाइटेड किगडम में नाट्य रूप में रिलीज किया गया था फिल्म को आमतौर पर अनुकूल समीक्षाएं मिली और आलोचकतम कथनक सन उन्नीस के शीर्षक में गुप्त परमाणु जानकारी के तक पहुँचने तक पहुँच रखने वाले एक उच्च रैकिंग वाले सहोवियत अधिकारी और जी खुफिया अधिकारी ओलेग पैन पैनकोस का संयुक्त तो राज्य अमेरिका के साथ परमाणु युद्ध में बढ़ते खतरे के मजे मजेंदर खेवेज के नेत्र को होम भाग में जाता है और सीआईए के पास पहुंचता है और ऐसी जानकारी प्रदान करने की पेशकश करता है जो उस स्थिति को कम करने में मदद कर सकती है और सीआईए और एम आई सिक्स के निर्णय लिया कि बेहतर होगा कि किसी अधिकारी का उपयोग न किया जाए और इसके बजाय एक साधारण व्यवसायी को माध्यम रूप से कार्य कराया जाएगा एक वाणिज्यिक अवसरों की खोज के बहाने मॉस्को जाने के लिए विने के संपर्क करते हैं और कोस्की के साथ सामान्य व्यवसायिक संबंध बना स्थापित करता है जो पेनेस कोस्की उन्हें जानकारी देने के लिए पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के साथ व्यवस्था वे करते हैं और पूछता है कि मैंने को अपने नियमित कुरियर के रूप में उपयोग करने उपयोग करना जारी रखे यह तर्क देते हुए कि वह सोवियत और के सोवियत के रडार के तहत शुरू से कार्य का विरोध करने के बाद बिना विनय अत्यंत सहमत हो गया और आंशिक रूप से सीआई अधिकारी एडी एमिली डोनोवन द्वारा इस बात पर जोर देने का बात किया कि उसके प्रयासों से परमाणु युद्ध को रोकने की मदद मिल सकती है और पेनस्कोस्की कोस के बारे उस, उसके घर पर जाकर उसे बताया कि वह विनय की सफलता पर अपना जीवन दांव पर लगा रहा है पेनकोस्की द्वारा सीआईए को प्रदान किए गए संदेशों और और पैकेजों को नियमित रूप से ले जाने के लिए विनय मास्को की अपनी की यात्राओं का उपयोग करना है हालांकि इसका इसका असर उसके निजी जीवन पर पड़ा जहां वे उत्तोजित व्यवहार करने लगा और जिससे उसकी पत्नी को लगता है कि शायद उसका कोई चक्कर चल रहा है पैनकोस कोवेस्की को पता चला कि सोवियत क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए परमाणु खतरे में बदलना चाहते हैं और तस् तस्वीरों और सैन्य योजनाओं के साथ यह जानकारी सीआईए को देते हैं जो अत्यंत अपनी खुफिया जानकारी का उपयोग करके इसे सत्यापित करती है क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिकी अपने लाभ के लिए इस शुरुआती बढ़त का उपयोग करने में सक्षम है हालांकि सोवियत ने अपने स्वयं के दोहरे एजेंटों का उपयोग करते हुए महसूस किया कि उस उनके पास सूचना वैधता मॉस्को में बिने को पता चलता है और उसे होटल के कमरे की तलाशी ली ली गई थी लेकिन पैनकोस्की को चेतावनी देने का मौका मिलने से पहले वह छोड़ देता है पैनकोस्की के भाग्य के बारे में चिंतित होकर क्या उसे पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए विद ने पैनकोस्की को दलब को दल बदल की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए मास्को वापस जाने के लिए एम आई सिक्स की सलाह खिलाफ स्वेच्छता से काम किया हालांकि सो, सोवियत से पहले पैनकोकी को जहर दिया गया था जब वह अस्पताल में था तो तब उसने उसके सामने तलाशी ली थी तो योजना के विफल कर दिया गया और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया विनय को जेल भेज दिया गया और जहाँ उसे कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया और वह दृढ़ता से अपनी बेगुनाही बरकरार करता रहा है यह दावा करते हैं कि वह पेनकोसकिस को केवल एक व्यापारी ग्राहक के रूप में जानता था जी। और नहीं जानता था उसके द्वारा विपरीत पैकेजों में क्या क्या था कई महीनों के बाद उसे अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मिलती है जो उसे बताती है कि सोवियत ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें हटा ली हो जिससे उसका मनोबल बढ़ गया। बढ़ गया पूछताछ के दौरान वह जेल के पेनोस्किस से भी मिला और जो उसे बताता है कि उसके बलिदान इसके लायक था दोनों व्यक्ति भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि अप्रैल सन उन्नीस सन उन्नीस में देखा गया था कि और बताया गया कि पेनिस्को ने जो उससे वादा किया था वह उसके बारे में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को सोवियत जासूस कोनोन कोनोन मोलोड़ी के बदलने की रिहा कर दिया जाता है जो बातें सन उन्नीस सौ चौंसठ में थी वह लंदन लौट आया और यह भी पता किया कि पेनोस्की के विदेश विद्रोह का का मुकदमा चलाया था और मार डाला और एक एक अज्ञात कब्र पर दफन किया लेकिन उसने उसके परिवार को मॉस्को में रहने का अनुदाई दी थी भविष्य में भविष्य में परमाणु आपदाओं को रोकने और, और और अमेरिकी और सोवियत के अपने नेताओं के बीच एक संचार हॉटलाइन भी स्थापित की थी ढालना में देखा गया ग्रेवलिन विनय के रूप में बैने डिस्कैबरे कंबर बेचने के के ने किरदार निभाया ओलोग कोवस्की के, एमी, के रूप में मेरा निदिचे ने किरदार निभाया एमिली डोनोवन सी आई ए अधिकारी के रूप में राचल ब्रोस ब्रोसन्नाहन ने किरदार निभाया वैनिक की पत्नी शीला के रूप में जैसी कम्बकले ने किरदार निभाया और डिक्की फ्रेकस एम आई सिक्स अधिकारी के रूप में एंगस राइट ने किरदार निभाया जेल्को इवानिन के सीआई निदेशक जोन ए मेकोन के रूप में नजर आए ओले ग्रे ग्रिब, ग्रिबानो के जीबी अधिकारी के रूप में के के तीसरे निदेशालय के प्रमुख के रूप में क्लियर पिरोगोव नजर आए और ब्रटेड के रूप में एंटोन एंटोन लेसन ने किरदार निभाया ओले की पत्नी के पैनकोसिया के रूप में मार्टिया मनोनो मनो, मनो मिरोनोवा ने किरदार निभाया निकिता क्रुसे के रूप में वाला वा वा चोप्री कॉमने दाने उत्पादन एक मई दो हजार को यह घोषणा की गई थी फिल्म एक्शन एंटरटेनमेंट टॉम ऑफ कोनर की एक स्क्रिप्ट में ब्रिटिश जासूस ग्रेवलिन विवने के बारे में फिल्म आयरन बर्ग का निर्माण करता है और डोमिनिक डौमी, यूकूको और कॉनर रोड एर, रोरी एटकेन के एडम को एडम ऑकलैंड जैसे वर्णिक लिया क्लास के साथ फिल्म का निर्देशन निर्माण करने के लिए था। फिल्म के जुड़ी प्रोडक्शन कंपनियों की सनी मार्च शामिल है प्रारंभिक उत्पादन के घोषणा के साथ साथ यह पुष्टि भी की गई कि बेनेडिक्स कंबरबेज को ग्रेविल विने के रूप में चुना गया था अक्टूबर दो को घोषणा की गई कि राचेल ब्रोसनाहन की जैसी के बकले में मेरा निजी डेज एंग एंगस राइट और केरल्स पेरोगोव फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 अक्टूबर 2018 को लंदन में हुई और यह 7 दिसंबर 2018 तक चली संगीत एल एब एल कैर कोर कोरजेनी ओस्किक ने स्कोर किया था और लैक्सोर रिकॉर्ड ने मार्च 2021 को साउंड ट्रैक जारी किया था और ट्रैक लिस्टिंग के रिकॉर्डिट में साउंड ट्रैक डॉट नेट में अनुकूलित किया गया था इसके बाद बताया जाता है मुक्त करने में देखा गया फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 24 जनवरी 2020 को को आर्यन बार्के सिर के तहत सनडाउस फिल्म फेस्टिवल में हुआ कुछ ही समय बाद रोड साइड अट्रैक्शन और लाइसंगेट ने फिल्म के अमेरिकी वितरण अधिकार हासिल कर लिए और ने नाम द कुरियर के तहत फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका के 28 अगस्त 2020 को मूल नाटक रिलीज़ की गई थी और हालांकि कोविड 19 महामारी के कारण इसे 16 अक्टूबर 2020 तक विलंबित कर दिया गया और इसे यूनाइटेड किंगडम में 30 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया इसे फिर से 19 मार्च 2021 तक विलंबित कर दिया गया और अंत में तेरह अगस्त दो को फिर रिलीज किया गया था इसके बाद देखा गया कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देखा गया इसने कुरियर में संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा छह पॉइंट छह मिलियन डॉलर और अन्य जगहों पर उन्नीस पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर थी दुनिया भर में इसने ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर तक की ही कमाई कर पाई थी और अपने घरेलू श्रोतीस सप्ताह में इसने चौदह सौ तैंतीस थिएटरों में से वन पॉइंट नाइन मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही और फिल्म में अपने दूसरे सप्ताह में एक मिलियन डॉलर की कमाई की और इसके बाद अमीर बारे जवाब में देखे गए समीक्षा एग्रिगेटरी रोन आ, रोटन टमाटोज पर फिल्म को दो सौ चौबीस समीक्षाओं के आधार पर सिक्स पॉइंट एट ओब्लिक टेन की औसत रेटिंग मिली और साथ ही एट्टी फाइव परसेंट के अनुमोदित रेटिंग के प्राप्त की और वेबसाइट के आलोचकों के सर्वसंपत्ति में लिखा गया द कुरियर एक रोमांचकारी और तथ्य आधारित कहानी और बेनेक्डिक्स कम्बरबेज के घबराहट पौर वाले केंद्रीय प्रदर्शन द्वारा उन्नत एक प्रभावशाली पुराने स्कूल के जासूसी साहसिक कार्य को प्रस्तुत करता है जासूसी फिल्म है जो डोमोनिक्स कुक द्वारा निर्देशित और टॉम ओकोनर द्वारा लिखित है फिल्म में बेनेडिक्स कंबरबेच ने ग्रेविले विने की भूमिका निभाई है और यह है एक ब्रिटिश व्यवसाय की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसे सन उन्नीस के दशक में मेरूशी जासूस स्त्रोत ओलेकैन उल, कोसवी पानुस्क द्वारा के साथ एक संदेश माध्यम बनाने के लिए गुप्त खुफिया सेवा द्वारा भर्ती किया गया था और रचल ब्रोस बोस नहान जे, जैसी का बकले और एंगस राइट भी अभिनय करते हैं फिल्म का निर्देशक डोमिनिक यूकुक है और लेखक है टॉम ओकोनर को, है उत्पादित है एडम ओकलैंड और बेन ब्राउनिंग बेन बुथ और रे, रेडी टेक्केन अभिनीति है बेनेडिक्स कामवर बेच की मेर, मेरा निर्दीचे की रोचेल ब्रोशन नाहन की जैसी कबले एंगस राइट्स छायांकन है सोन बॉबिट के संपादित किया गया तारिक अनवर और सी स्किल द्वारा संगीत है हाबिल कौर जेनी ओस्की द्वारा उत्पादन कंपनी है फोर्टी टू फिल्म फिल्म सनी सनी मार्च वितरित किया गया लॉयंस लो, गेट और सड़क किनारे के आकर्षण रिलीज की तारीख चौबीस जनवरी दो को सन डांस में चौ उन्नीस मार्च दो हज़ार इक्कीस को संयुक्त राज्य अमेरिका में और तेरह अगस्त दो हज़ार इक्कीस को यूनाइटेड किंगडम में कार्यक्रम एक सौ ग्यारह मिनट देश यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी द कोरियर का विश्व प्रीमियर उसके मूल शीर्षक आयन बार के तहत चौबीस जनवरी 2020 को संडास फिल्म फेस्टिवल में हुआ था इसे मार्च 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में तेरह अगस्त 2021 को यूनाइटेड किंगडम में नाटक के रूप में रिलीज किया गया था फिल्म को आमतौर पर अनुकूल समीक्षाएं मिली और आलोचकम कथनक सन उन्नीस के शीर्षक में गुप्त परमाणु जानकारी के पथक पहुँचने तक पहुँच रखने वाले एक उच्च रैकिंग वाले सोवियत अधिकारी और जी खुफिया अधिकारी ओलेग पैन पैनकोस का संयुक्त तो राज्य अमेरिका के साथ परमाणु युद्ध में बढ़ते खतरे के मजेंदर खेवेज के नेत्र को भाग में जाता है और सीआईए के पास पहुंचता है और ऐसी जानकारी प्रदान करने की पेशकश करता है जो उस स्थिति को कम करने में मदद कर सकती है और सीआईए और एम आई सिक्स के निर्णय लिया कि बेहतर होगा कि किसी अधिकारी का उपयोग न किया जाए और इसके बजाय एक साधारण व्यवसायी को माध्यम रूप से कार्य कराया जाएगा एक वाणिज्यिक अवसरों की खोज के बहाने मॉस्को जाने के लिए सेल्समैन ग्रेवलो विने के संपर्क करते हैं और विने पेन कोस्की के साथ सामान्य व्यवसायिक संबंध बना स्थापित करता है जो पेनेस कोस्की उन्हें जानकारी देने के लिए पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के साथ व्यवस्था वे करते हैं और पूछता है कि वेनय को अपने नियमित कुरियर के रूप में उपयोग करने उपयोग करना जारी रखे यह तर्क देते हुए कि वह सोवियत और के सोवियत के रडार के तहत शुरू से कार्य का विरोध करने के बाद बिना विनय अत्यंत सहमत हो गया और आंशिक रूप से सीआई अधिकारी एडी एमिली डोनोवन द्वारा इस बात पर जोर देने का बात की है कि उसके प्रयासों से परमाणु युद्ध को रोकने की मदद मिल सकती है और पेनस्कोस्की कोस के बारे उसके घर पर जाकर उसे बताया कि वह विनय की सफलता पर अपना जीवन दांव पर लगा रहा है पेनकोस्की द्वारा सीआईए को प्रदान किए गए संदेशों और और पैकेजों को नियमित रूप से ले जाने के लिए विनय मास्को की अपनी व्यवसायिक यात्राओं का उपयोग करना है हालांकि इसका इसका असर उसके निजी जीवन पर पड़ा जहां वे उत्तोजित व्यवहार करने लगा और जिससे उसकी पत्नी को लगता है कि शायद उसका कोई चक्कर चल रहा है पैनको को पता चला कि सोवियत क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए परमाणु खतरे में बदलना चाहते हैं और तस् तस्वीरों और सैन्य योजनाओं के साथ यह जानकारी सी को देते हैं जो अत्यंत अपनी खुफिया जानकारी का उपयोग करके इसे सत्यापित करती है क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिकी अपने लाभ के लिए इस शुरुआती बढ़त का उपयोग करने में सक्षम है हालांकि सोवियत ने अपने स्वयं के दोहरे एजेंटों का उपयोग करते हुए महसूस किया कि उसके पास सूचना वैधता मॉस्को में बिने को पता चलता है और उसे होटल के कमरे की तलाशी ली ली गई थी लेकिन पैनकोस्की को चेतावनी देने का मौका मिलने से पहले वह छोड़ देता है पैनकोस्की के भाग्य के बारे में चिंतित होकर क्या उसे पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए ने पैनकोस्की को दलब को दल बदल की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए मास्को वापस जाने के लिए एम आई सिक्स की सलाह खिलाफ स्वेच्छता से काम किया हालांकि सो, सोवियत से पहले पैनकोफ्सकी को जहर दिया गया था जब वह अस्पताल में था तो तब उसने उसके सामने तलाशी ली थी तो योजना के विफल कर दिया गया और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया विनय को जेल भेज दिया गया और जहाँ उसे कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया और वह दृढ़ता से अपनी बेगुनाही बरकरार करता रहा है यह दावा करते हैं कि वह पेनकोस्किस को केवल एक व्यापारिक ग्राहक के रूप में जानता था जी, और नहीं जानता था उसके द्वारा विपरीत पैकेजों में क्या क्या था कई महीनों के बाद उसे अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मिलती है जो उसे बताती है कि सोवियत ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें हटा ली हो जिससे उसका मनोबल बढ़ गया, गया पूछताछ के दौरान वह जेल के पेनोस्किस से भी मिला और जो उसे बताता है कि उसके बलिदान इसके लायक था व्यक्ति भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि अप्रैल सन उन्नीस सौ सन उन्नीस में देखा गया था कि और बताया गया कि पेनिस्को ने जो उससे वादा किया था वह उसके बारे में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को सोवियत जासूस कोनोन कॉन मोलोड़ी के बदलने की रिहा कर दिया जाता है जो बातें सन उन्नीस सौ चौसठ में थी वह लंदन लौट आया और यह भी पता किया कि पेनोस्की के देश विद्रोह का का मुकदमा चलाया था और मार डाला और एक एक अज्ञात कब्र पर दफन किया लेकिन उसने उसके परिवार को मॉस्को में रहने का अनुदाई दी थी भविष्य में भविष्य में परमाणु आपदाओं को रोकने और, और और अमेरिकी और सोवियत के अपने नेताओं के बीच एक संचार हॉटलाइन भी स्थापित की थी ढालना में देखा गया ग्रेवलिन विनय के रूप में बने डिस्क कम्बर कंबर बेचने किरदार निभाया ओलोग पैनको कोवस्की के, पैन को, के रूप में मेरा निदिचे ने किरदार एमिली डोनोवन सी अधिकारी के रूप में राचल ब्रोस ब्रोसन्नाह ने किरदार निभाया वैनिक की पत्नी शीला के रूप में जैसी बकले ने किरदार निभाया और डिक्की फ्रेकस एम आई सिक्स अधिकारी के रूप में एंगस राइट ने किरदार निभाया जेलको इवानिन के सीआई निदेशक जोन ए मेकोन के रूप में नजर आए ओले ग्रे ग्रिब के जीबी अधिकारी के रूप में के के तीसरे निदेशालय के प्रमुख के रूप में क्लियर पिरोगोव नजर आए और ब्रटेड के रूप में एंटोन एंटोन लेसन ने किरदार निभाया था ओले की पत्नी के पैनकोसिया के रूप में मार्टिया मनोनो मनो मीरोनोवा ने किरदार निभाया निकिता क्रुसे के रूप में वाला वा वा चोप्री कौम ने दाने उत्पादन एक मई दो हज़ार अठारह को यह घोषणा की गई थी फिल्म एक्शन एंटरटेनमेंट टॉम ऑफ कोनर की एक स्क्रिप्ट में ब्रिटिश जासूस ग्रेवलिन बिवने के बारे में फिल्म आयरन बॉक का निर्माण करता है और डोमिनिक दोमी, युकूको और कॉनर रोड एर, रोरी एटकेन के एडम को एडम ऑकलैंड जैसे वर्णिक लिया क्लास के साथ फिल्म का निर्देशन निर्माण करने के लिए तैयार था फिल्म के जुड़ी प्रोडक्शन कंपनियों की शनिमार्च शामिल है प्रारंभिक उत्पादन घोटा के घोषणा के साथ साथ यह पुष्टि भी की गई कि बेनेडिक्स कंबरबेज को ग्रेविल विने के रूप में चुना गया था अक्टूबर 2018 को घोषणा की गई कि राचेल ब्रोसनाहन की जैसी के बकले में मेरा निजी डेज एंग, एंगस राइट और केरल्स पेरोगोव फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 अक्टूबर 2018 को लंदन में हुई और यह 7 दिसंबर 2018 तक चली संगीत एल, ए, एबेल एब एल जेनी ओस्किक ने स्कोर किया था और लैक्सोर रिकॉर्ड ने मार्च 2021 को साउंड ट्रैक जारी किया था और ट्रैक लिस्टिंग के रिकॉर्ड में साउंड ट्रैक डॉट नेट में अनुकूलित किया गया था इसके बाद बताया जाता है मुक्त करने में देखा गया फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 24 जनवरी 2020 को को आर्यन के सिर के तहत संडाउस फिल्म फेस्टिवल में हुआ कुछ ही समय बाद रोड साइड अट्रैक्शन और लाइसंगेट ने फिल्म के अमेरिकी वितरण अधिकार हासिल कर लिए और नए नाम द कुरियर के तहत फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका के 28 अगस्त 2020 को मूल नाटके रिलीज़ की गई थी और हालांकि कोविड 19 महामारी के कारण इसे 16 अक्टूबर 2020 तक विलंबित कर दिया गया और इसे यूनाइटेड किंगडम में 30 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया इसे फिर से 19 मार्च 2021 तक विलंबित कर दिया गया और अंत में तेरह अगस्त दो को फिर रिलीज किया गया था इसके बाद देखा गया कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देखा गया इसने कुरियर में संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा छह पॉइंट छह मिलियन डॉलर और अन्य जगहों पर उन्नीस पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर तक कि दुनिया भर में इसने ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर पाई थी और अपने घरेलू श्रोती सप्ताह में इसने चौदह थिएटरों में से वन मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही और फिल्म फिल्में अपने दूसरे सप्ताह में एक मिलियन डॉलर की कमाई की और इसके बाद अमीर इस बारे जवाब में देखे गए समीक्षा एग्रिटर रोटन टमाटोज पर फिल्म को दो सौ चौबीस समीक्षाओं के आधार पर सिक्स पॉइंट एट ओब्लिक टेन की औसत रेटिंग मिली और साथ ही एट्टी फाइव परसेंट के अनुमोदित रेटिंग के प्राप्त की और वेबसाइट के आलोचकों के सर्वसंपत्ति में लिखा गया द कुरियर एक रोमांचकारी और तथ्य आधारित कहानी और बेनेडिक्स कंबर बेच के घबराहट पौर वाले केंद्रीय प्रदर्शन द्वारा उन्नत एक प्रभावशाली पुराने स्कूल के जासूसी साहसिक कार्य को प्रस्तुत करता है जासूसी फिल्म है जो डोमोनिक्स कुक द्वारा निर्देशित और टॉम ओकोनर द्वारा लिखित है फिल्म में बेनेडिक्स कम्बरबेच ने ग्रे, ग्रेविले विनय की भूमिका निभाई है और यह एक ब्रिटिश व्यवसाय की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसे सन उन्नीस के दशक में मेरूसी जासूस इसोत ओल ओलेकनकोसविक पन्स्क द्वारा के साथ एक संदेश माध्यम बनने बनाने के लिए गुप्त खुफिया सेवा द्वारा भर्ती किया गया था और रचेल ब्रोस ब्रोसनहान जै, जैसी का बकले और एंगस राइट भी अभिनय करते हैं फिल्म का निर्देशक डोमिनिक युकुक है और लेखक है टॉम ओक को, ओकोनर है उत्पादित है एडम ओकलैंड और बेन ब्राउनिंग बेन बुथ और रे, रेडी टेक्केन अभिनीति है बेनेडिक्स कामवर बेच की मेरब निदीचे की रोचेल ब्रोशन नाहन की जैसी कबले एंगस राइट्स छायांकन है सोन बॉबिट के संपादित किया गया तारिक अनवर और गैर सी स्केल द्वारा संगीत है हाबिल कौर जेनी ओस्की द्वारा उत्पादन कंपनी एट फोर्टी टू फिल्म फिल्म नेशन इंटरटेनमेंट सनी सनी मार्च वितरित किया गया लॉयंस गेट और सड़क किनारे के आकर्षण रिलीज की तारीख चौबीस जनवरी दो को सन डांस में उन्नीस मार्च दो हजार इक्कीस को संयुक्त राज्य अमेरिका में और तेरह अगस्त दो हजार इक्कीस को यूनाइटेड किंगडम में कार्यक्रम एक सौ ग्यारह मिनट यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी द कोरियर का विश्व प्रीमियर उसके मूल शीर्षक आयन बार के तहत चौबीस जनवरी 2020 को संडास फिल्म फेस्टिवल में हुआ था इसे मार्च 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में तेरह अगस्त 2021 को यूनाइटेड किगडम में नाट्य रूप में रिलीज किया गया था फिल्म को आमतौर पर अनुकूल समीक्षाएं मिली और आलोचकतम कथनक सन उन्नीस के शीर्षक में गुप्त परमाणु जानकारी के तक पहुँचने तक पहुँच रखने वाले एक उच्च रैकिंग वाले सहोवियत अधिकारी और जी खुफिया अधिकारी ओलेग पैन पैनकोस का संयुक्त तो राज्य अमेरिका के साथ परमाणु युद्ध में बढ़ते खतरे के मजे मजेंदर खेवेज के नेत्र को होम भाग में जाता है और सीआईए के पास पहुंचता है और ऐसी जानकारी प्रदान करने की पेशकश करता है जो उस स्थिति को कम करने में मदद कर सकती है और सीआईए और एम आई सिक्स के निर्णय लिया कि बेहतर होगा कि किसी अधिकारी का उपयोग न किया जाए और इसके बजाय एक साधारण व्यवसायी को माध्यम रूप से कार्य कराया जाएगा एक वाणिज्यिक अवसरों की खोज के बहाने मॉस्को जाने के लिए सेल्फ्समैन ग्रेवलो विने के संपर्क करते हैं और विनेपेन कोस्की के साथ सामान्य व्यवसायिक संबंध बना स्थापित करता है जो पेनेसकोस्की उन्हें जानकारी देने के लिए पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के साथ व्यवस्था करते हैं और पूछता है कि मैंने को अपने नियमित कूरियर के रूप में उपयोग करने उपयोग करना जारी रखे यह तर्क देते हुए कि वैसोवियत और के सोवियत के रडार के तहत शुरू से कार्य का विरोध करने के बाद बिना विनय अत्यंत सहमत हो गया और आंशिक रूप से सीआई अधिकारी एडी एमिली डोनोवन द्वारा इस बात पर जोर देने का बात की है कि उसके प्रयासों से परमाणु युद्ध को रोकने की मदद मिल सकती है और पेनास्कोस्की कोस के बारे उस, उसके घर पर जाकर उसे बताया कि वह विनय की सफलता पर अपना जीवन दांव पर लगा रहा है पैनकोस्की द्वारा सी आई ए को प्रदान किए गए संदेशों और और पैकेजों को नियमित रूप से ले जाने के लिए विनय मास्को की अपनी व्यावसायिक यात्राओं का उपयोग करना है हालांकि इसका इसका असर उसके निजी जीवन पर पड़ा जहां वे उत्तोजित व्यवहार करने लगा और जिससे उसकी पत्नी को लगता है कि शायद उसका कोई चक्कर चल रहा है पैनकोस कोवस्की को, को पता चला कि सोवियत क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए परमाणु खतरे में बदलना चाहते हैं तस, तस्वीर और तस्वीरें और सैन्य योजनाओं के साथ यह जानकारी सीआईए को देते हैं जो अत्यंत अपनी खुफिया जानकारी का उपयोग करके इसे सत्यापित करती है क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिकी अपने लाभ के लिए इस शुरुआती बढ़त का उपयोग करने में सक्षम है हालांकि सोवियत ने अपने स्वयं के दोहरे एजेंटों का उपयोग करते हुए महसूस किया कि उस उनके पास सूचना वैधता मॉस्को में बिने को पता चलता है और उसे होटल के कमरे की तलाशी ली ली गई थी लेकिन पैनकोस्की को चेतावनी देने का मौका मिलने से पहले वह छोड़ देता है पैनकोस्की के भाग्य के बारे में चिंतित होकर क्या उसे पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए ने पैनकोस्की को दलब को दल बदल की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए मास्को वापस जाने के लिए एम आई सिक्स की सलाह खिलाफ स्वेच्छता से काम किया हालांकि सो, सोवियत से पहले पैनकोकी को जहर दिया गया था जब वह अस्पताल में था तो तब उसने उसके सामने तलाशी ली थी तो योजना के विफल कर दिया गया और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया विनय को जेल भेज दिया गया और जहाँ उसे कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया और वह दृढ़ता से अपनी बेगुनाही बरकरार करता रहा तो यह दावा करते हैं कि वह पेनकोसकिस को केवल एक व्यापारी ग्राहक के रूप में जानता था जी। और नहीं जानता था उसके द्वारा विपरीत पैकेजों में क्या क्या था कई महीनों के बाद उसे अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मिलती है जो उसे बताती है कि सोवियत ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें हटा ली हो जिससे उसका मनोबल बढ़ गए बढ़ गया पूछताछ के दौरान वह जेल के पेनोस्किस से भी मिला और जो उसे बताता है कि उसके बलिदान इसके लायक था दोनों व्यक्ति भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि अप्रैल सन उन्नीस सन उन्नीस में देखा गया था कि और बताया गया कि पेनिस्को ने जो उससे वादा किया था वह उसके बारे में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को सोवियत जासूस कोनोन मोलोडी के बदलने की रिहा कर दिया जाता है जो बातें सन उन्नीस सौ चौंसठ में थी वह लंदन लौट आया और यह भी पता किया कि पेनोस्की के देश विद्रोह का का मुकदमा चलाया था और मार डाला और एक एक अज्ञात कब्र पर दफन किया लेकिन उसने उसके परिवार को मॉस्को में रहने का अनुदाई दी थी भविष्य में भविष्य में परमाणु आपदाओं को रोकने और, और और अमेरिकी और सोवियत के अपने नेताओं के बीच एक संचार हॉटलाइन भी स्थापित की थी ढालना में देखा गया ग्रेवलिन विनय के रूप में बने बैने डिस्कैबरे कंबर बेचने के के ने किरदार निभाया ओलोग पैनको कोवस्की के रूप में मेरा निदिचे ने किरदार निभाया एमिली डोनोवन सी आई ए अधिकारी के रूप में राचल ब्रोस ब्रोसन्नाहन ने किरदार निभाया वैनिक की पत्नी शीला के रूप में जैसी कम्बकले ने किरदार निभाया और डिक्की फ्रेकस एम आई सिक्स अधिकारी के रूप में एंगस राइट ने किरदार निभाया जेलको इवानिन के सीआई निदेशक जोन ए मेकोन के रूप में नजर आए ओले ग्रे ग्रिब, ग्रिबानो के जीबी अधिकारी के रूप में के के तीसरे निदेशालय के प्रमुख के रूप में क्लियर पिरोगोव नजर आए और ब्रटेड के रूप में एंटोन एंटोन लेसन ने किरदार निभाया ओले की पत्नी के पैनकोसिया के रूप में मार्टिया मनोनो मनो, मनो मिरोनोवा ने किरदार निकिता के रूप में वीर चोने उत्पादन एक मई दो हजार अठारह को यह घोषणा की गई थी फिल्म एंटरटेनमेंट टॉम ऑफ कोनर की एक स्क्रिप्ट में ब्रिटिश जासूस ग्रेवलिन विवने के बारे में फिल्म आयरन बर्ग का निर्माण करता है और डोमिनिक यूकूको और कॉनर रोड एर, रोरी एटकेन के एडम को एडम ऑकलैंड जैसे वर्णिक लिया क्लास के साथ फिल्म का निर्देशन निर्माण करने के लिए तैयार फिल्म के जुड़ी प्रोडक्शन कंपनियों की सनी मार्च शामिल है प्रारंभिक उत्पादन के घोषणा के साथ साथ यह पुष्टि भी की गई कि बेनेडिक्स कंबरबेज को ग्रेविल विने के रूप में चुना गया था अक्टूबर दो को घोषणा की गई कि राचेल ब्रोसनाहन की जैसी के बकले में मेरा निजी डेज एंग एंगस राइट और केरल्स पेरोगोव फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 अक्टूबर 2018 को लंदन में हुई और यह 7 दिसंबर 2018 तक चली संगीत एल एब एल कैर कोर कोर जेनी ओस्क ने स्कोर किया था और लैक्सोर रिकॉर्ड ने मार्च 2021 को साउंड ट्रैक जारी किया था और ट्रैक लिस्टिंग के रिकॉर्डिट में साउंड ट्रैक डॉट नेट में अनुकूलित किया गया था इसके बाद बताया जाता है मुक्त करने में देखा गया फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर चौबीस जनवरी 2020 को को आर्यन बार्के सिर के तहत सनडाउस फिल्म फेस्टिवल में हुआ कुछ ही समय बाद रोड साइड अट्रैक्शन और लाइसंगेट ने फिल्म के अमेरिकी वितरण अधिकार हासिल कर लिए और ने नाम द कुरियर के तहत फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका के 28 अगस्त 2020 को मूल नाटक रिलीज़ की गई थी और हालांकि कोविड 19 महामारी के कारण इसे 16 अक्टूबर 2020 तक विलंबित कर दिया गया और इसे यूनाइटेड किंगडम में 30 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया इसे फिर से 19 मार्च 2021 तक विलंबित कर दिया गया और अंत में तेरह अगस्त दो को फिर रिलीज किया गया था इसके बाद देखा गया कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देखा गया इसने कुरियर में संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा छह पॉइंट छह मिलियन डॉलर और अन्य जगहों पर उन्नीस पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर थी दुनिया भर में इसने ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर तक की ही कमाई कर पाई थी और अपने घरेलू स्वतीस सप्ताह में इसने चौदह थिएटरों में से वन मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही और फिल्म में अपने दूसरे स्थान सप्ताह में एक मिलियन डॉलर की कमाई की और इसके बाद अमीर बारे जवाब में देखे गए समीक्षा रोन आ, रोटन टमाटोज पर फिल्म को दो सौ चौबीस समीक्षाओं के आधार पर सिक्स पॉइंट एट ओब्लिक टेन की औसत रेटिंग मिली और साथ ही एट्टी फाइव परसेंट के अनुमोदित रेटिंग के प्राप्त की और वेबसाइट के आलोचकों के सर्वसंपत्ति में लिखा गया द कुरियर एक रोमांचकारी और तथ्य आधारित कहानी और बेनेक्डिक्स कम्बर बेच के घबराहट पौर वाले केंद्रीय प्रदर्शन द्वारा उन्नत एक प्रभावशाली पुरानी स्कूल को जासूसी साहसिक कार्य को प्रस्तुत करता है जासूसी फिल्म है जो डोमोनिक्स कुक द्वारा निर्देशित और टॉम ओकोनर द्वारा द्वारा लिखित है फिल्म में बेनेडिक्स कै कम्बरबेच ने ग्रेविले विनय की भूमिका निभाई है और यह एक ब्रिटिश व्यवसाय की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसे सन उन्नीस के दशक में मेरूशी जासूस स्त्रोत ओल ओलेकनेकोसवी पानोस्की द्वारा के साथ एक संदेश माध्यम बनने बनाने के लिए गुप्त खुफिया सेवा द्वारा भर्ती किया गया था और रचल ब्रोस ब्रोसनहान जै, जैसी का बकले और एंगस राइट भी अभिनय करते हैं फिल्म का निर्देशक डोमिनिक युकुक है और लेखक है टॉम ओकोनर है उत्पादित है एडम ओकलैंड और बेन ब्राउनिंग बेन बुथ और रे, रेडी टेक्केन अभिनीति है बेनेडिक्स कांवर बेच की मेर मेरब निदीचे की रोचेल ब्रोशन नाहन की जैसी कबले एंगस राइट्स छायांकन है सोन बॉबिट के संपादित किया गया तारिक अनवर और गैर सी द्वारा संगीत है हाबिल कौर जेनी ओस्की द्वारा उत्पादन कंपनी एट फोर्टी टू फिल्म फिल्म ने सनी इंटरटेनमेंट मार्च वितरित किया गया लॉयंस गेट और सड़क किनारे के आकर्षण रिलीज की तारीख चौबीस जनवरी दो को सन सनडांस में चौनीस मार्च दो हज़ार इक्कीस को संयुक्त राज्य अमेरिका में और तेरह अगस्त दो हजार इक्कीस को यूनाइटेड किंगडम में कार्यक्रम एक सौ ग्यारह मिनट देश यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी द कोरियर का विश्व परिमर उसके मूल शीर्षक आयन बार के तहत चौबीस जनवरी 2020 को संडास फिल्म फेस्टिवल में हुआ था इसे मार्च 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में तेरह अगस्त 2021 को यूनाइटेड किंगडम में नाटक के रूप में रिलीज किया गया था फिल्म को आमतौर पर अनुकूल समीक्षाएं मिली और आलोचकतम कथनक सन उन्नीस के शीर्षक में गुप्त परमाणु जानकारी के पथक पहुँचने तक पहुँच रखने वाले एक उच्च रैकिंग वाले सोवियत अधिकारी और जी खुफिया अधिकारी ओलेग पैन को को का संयुक्त तो राज्य अमेरिका के साथ परमाणु युद्ध में बढ़ते खतरे के मजेंदर खेवेज के नेत्र को भाग में जाता है और सीआईए के पास पहुंचता है और ऐसी जानकारी प्रदान करने की पेशकश करता है जो उस स्थिति को कम करने में मदद कर सकती है और सीआईए और एम आई सिक्स के निर्णय लिया कि बेहतर होगा कि, कि किसी अधिकारी का उपयोग न किया जाए और इसके बजाय एक साधारण व्यवसायी को माध्यम रूप से कार्य कराया जाएगा एक वाणिज्यिक अवसरों की खोज के बहाने मॉस्को जाने के लिए सेल्समैन ग्रेवलो विने के संपर्क करते हैं और विनय पेन कोस्की के साथ सामान्य व्यवसायिक संबंध बना स्थापित करता है जो पेनेस कोस्की उन्हें जानकारी देने के लिए पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के साथ व्यवस्था वे करते हैं और पूछता है कि वेनय को अपने नियमित कुरियर के रूप में उपयोग करने उपयोग करना जारी रखें यह तर्क देते हुए कि वह सोवियत और के सोवियत के रडार के तहत शुरू से कार्य का विरोध करने के बाद बिना विनय अत्यंत सहमत हो गया और आंशिक रूप से सीआई अधिकारी एडी एमिली डोनोवन द्वारा इस बात पर जोर देने का बात की कि उसके प्रयासों से परमाणु युद्ध को रोकने की मदद मिल सकती है और पेनस्कोस्की कोस के बारे उसके घर पर जाकर उसे बताया कि वह विनय की सफलता पर अपना जीवन दांव पर लगा रहा है पेनकोस्की द्वारा सीआईए को प्रदान किए गए संदेशों और और पैकेजों को नियमित रूप से ले जाने के लिए विनय मास्को की अपनी व्यवसायिक यात्राओं का उपयोग करना है हालांकि इसका इसका असर उसके निजी जीवन पर पड़ा जहां वे उत्तोजित व्यवहार करने लगा और जिससे उसकी पत्नी को लगता है कि शायद उसका कोई चक्कर चल रहा है पैनको को पता चला कि सोवियत क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए परमाणु खतरे में बदलना चाहते हैं और तस् तस्वीरों और सैन्य योजनाओं के साथ यह जानकारी सी को देते हैं जो अत्यंत अपनी खुफिया जानकारी का उपयोग करके इसे सत्यापित करती है क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिकी अपने लाभ के लिए इस शुरुआती बढ़त का उपयोग करने में सक्षम है हालांकि सोवियत ने अपने स्वयं के दोहरे एजेंटों का उपयोग करते हुए महसूस किया कि उसके पास सूचना वैधता मॉस्को में बिने को पता चलता है और उसे होटल के कमरे की तलाशी ली ली गई थी लेकिन पैनकोस्की को चेतावनी देने का मौका मिलने से पहले वह छोड़ देता है पैनकोस्की के भाग्य के बारे में चिंतित होकर क्या उसे पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए ने पैनकोस्की को दलब को दल बदल की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए मास्को वापस जाने के लिए एम आई सिक्स की सलाह खिलाफ स्वेच्छता से काम किया हालांकि सोवियत से पहले पैनकोफ्सकी को जहर दिया गया था जब वह अस्पताल में था तो तब उसने उसके सामने तलाशी ली थी तो योजना के विफल कर दिया गया और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया विनय को जेल भेज दिया गया और जहाँ उसे कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया और वह दृढ़ता से अपनी बेगुनाही बरकरार करता रहा यह है, है, दावा करते हैं कि वह पेनकोस्किस को केवल एक व्यापारिक ग्राहक के रूप में जानता था जी। और नहीं जानता था उसके द्वारा विपरीत पैकेजों में क्या क्या था कई महीनों के बाद उसे अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मिलती है जो उसे बताती है कि सोवियत ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें हटा ली हो जिससे उसका मनोबल बढ़ गया गढ़ गया पूछताछ के दौरान वह जेल के पेनोस्किस से भी मिला और जो उसे बताता है कि उसके बलिदान इसके लायक था व्यक्ति भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि अप्रैल सन उन्नीस सौ सन उन्नीस में देखा गया था कि और बताया गया कि पेनिस्को ने जो उससे वादा किया था वह उसके बारे में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को सोवियत जासूस कोनोन मोलोड़ी के बदलने की रिहा कर दिया जाता है जो बातें सन उन्नीस सौ चौंसठ में थी वह लंदन लौट आया और यह भी पता किया कि पेनोस्की के देश विद्रोह का का मुकदमा चलाया था और मार डाला और एक एक अज्ञात कब्र पर दफन किया लेकिन उसने उसके परिवार को मॉस्को में रहने का अनुदायी दी थी भविष्य में भविष्य में परमाणु आपदाओं को रोकने और, और और अमेरिकी और सोवियत के अपने नेताओं के बीच एक संचार हॉटलाइन भी स्थापित की थी ढालना में देखा गया ग्रेवलिन विनय के रूप में बैने डिस्कैबरे कम्बर बेच ने किरदार निभाया ओलोग पैनको कोवस्की के रूप में मेरा निदिचे ने किरदार एमिली डोनोवन सी अधिकारी के रूप में राचल ब्रोस ब्रोसन्नाह ने किरदार निभाया बैनिक की पत्नी शीला के रूप में जैसी बकले ने किरदार निभाया और डिक्की फ्रेकस एम आई सिक्स अधिकारी के रूप में एंगस राइट ने किरदार निभाया जेलको इवानिन के सीआईए निदेशक जोन ए मैकॉन के रूप में नजर आए ओले ग्रे ग्रिबा के जीबी अधिकारी के रूप में केबीजी के तीसरे निदेशालय के प्रमुख के रूप में क्लिर पिरोगोव नजर आए और ब्रैटेड के रूप में एंटोन एंटोन लेसन इनकी धन्यवाद ओले की पत्नी के पैनकोस के रूप में मारिया मनोरनो मिरोनोवा ने की धन्यवाद निकिता के रूप में वाला चोप्री कॉमी दाने उत्पादन एक मई दो हज़ार अठारह को यह घोषणा की गई थी फिल्म एक्शन एंटरटेनमेंट टॉम ऑफ कॉनर की एक स्क्रिप्ट में ब्रिटिश जासूस ग्रेवलिन बिवने के बारे में फिल्म आयरन बर्ग का निर्माण करता है डोमिनिक यूकूको और डौमी, कॉनर बेन पुथु रोड, एर, रोरी एटकेन के एडम को एडम ऑकलैंड जैसे वर्णिक लिया क्लास के साथ फिल्म का निर्देशन निर्माण करने के लिए तैयार था फिल्म के जुड़ी प्रोडक्शन कंपनियों की शनिमार्च शामिल है प्रारंभिक उत्पादन घोटा के घोषणा के साथ साथ यह पुष्टि भी की गई कि बेनेडिक्स कंबरबेज को ग्रेविल विने के रूप में चुना गया था अक्टूबर 2018 को घोषणा की गई कि राचेल ब्रोसनाहन की जैसी के बकले में मेरा निजी डेज एंग, एंगस राइट और केरल्स पेरोगोव फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 अक्टूबर 2018 को लंदन में हुई और यह 7 दिसंबर 2018 तक चली संगीत एल एब एल कैर कोरजोनी कोरजेनी ओस्की ने स्कोर किया था और लैक्सोर रिकॉर्ड ने मार्च 2021 को साउंड ट्रैक जारी किया था और ट्रैक लिस्टिंग के रिकॉर्डिट में साउंड ट्रैक डॉट नेट में अनुकूलित किया गया था इसके बाद बताया जाता है मुक्त करने में देखा गया फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर चौबीस जनवरी 2020 को को आर्यन के सिर के तहत संडाउस फिल्म फेस्टिवल में हुआ कुछ ही समय बाद रोड साइड अट्रैक्शन और लाइसंगेट ने फिल्म के अमेरिकी वितरण अधिकार हासिल कर लिए और नए नाम द कुरियर के तहत फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका के 28 अगस्त 2020 को मूल नाटके रिलीज़ की गई थी और हालांकि कोविड 19 महामारी के कारण इसे 16 अक्टूबर 2020 तक विलंबित कर दिया गया और इसे यूनाइटेड किंगडम में 30 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया इसे फिर से 19 मार्च 2021 तक विलंबित कर दिया गया और अंत में तेरह अगस्त दो को फिर रिलीज किया गया था इसके बाद देखा गया कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देखा गया इसने कुरियर में संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा छह पॉइंट छह मिलियन डॉलर और अन्य जगहों पर उन्नीस पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर तक कि दुनिया भर में इसने ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर पाई थी और अपने घरेलू श्रोती सप्ताह में इसने चौदह थिएटरों में से वन मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही और फिल्म फिल्में अपने दूसरे सप्ताह में एक मिलियन डॉलर की कमाई की और इसके बाद अमीर इस बारे जवाब में देखे गए समीक्षा रोन आ, रोटन टमाटोज पर फिल्म को दो सौ चौबीस समीक्षाओं के आधार पर सिक्स पॉइंट एट ओब्लिक टेन की औसत रेटिंग मिली और साथ ही एट्टी फाइव परसेंट के अनुमोदित रेटिंग के प्राप्त की और वेबसाइट के आलोचकों के सर्वसंपत्ति में लिखा गया द कुरियर एक रोमांचकारी और तथ्य आधारित कहानी और बेनेरबेच के घबराहट पौर वाले केंद्रीय प्रदर्शन द्वारा उन्नत एक प्रभावशाली पुराने स्कूल के जासूसी साहसिक कार्य को प्रस्तुत करता है जासूसी फिल्म है जो डोमोनिक्स कुक द्वारा निर्देशित और टॉम ओकोनर द्वारा लिखित है फिल्म में बेनेडिक्स कंबरबेच ने ग्रे, ग्रेविले विनय की भूमिका निभाई है और यह एक ब्रिटिश व्यवसाय की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसे सन उन्नीस के दशक में मेरूशी जासूस इसोत ओल ओलेकनकोसवी पानोस्की द्वारा के साथ एक संदेश माध्यम बनने बनाने के लिए गुप्त खुफिया सेवा द्वारा भर्ती किया गया था और रचेल ब्रोस ब्रोस नहान जै, जैसी का बकले और एंगस राइट भी अभिनय करते हैं फिल्म का निर्देशक डोमिनिक युकुक है और लेखक है टॉम ओकोनर को, है उत्पादित है एडम ओकलैंड और बेन ब्राउनिंग बेन बुथ और रे, रेडी टेक्केन अभिनीति है बेनेडिक्स कामवर बेच की मेरब निदीचे की रोचेल ब्रोशन नहन की जैसी कबले एंगस राइट्स छायांकन है सोन बॉबिट के संपादित किया गया तारिक अनवर और गैर सी स्केल द्वारा संगीत है हाबिल कौर जेनी ओस्की द्वारा उत्पादन कंपनी है फोर्टी टू फिल्म फिल्म नेशन इंटरटेनमेंट सनी सनी मार्च वितरित किया गया लॉयंस गेट और सड़क किनारे के आकर्षण रिलीज की तारीख चौबीस जनवरी दो को सन डांस में उन्नीस मार्च दो हजार इक्कीस को संयुक्त राज्य अमेरिका में और तेरह अगस्त दो हजार इक्कीस को यूनाइटेड किंगडम में कार्यक्रम एक सौ ग्यारह मिनट यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी द कोरियर का विश्व प्रीमियर उसके मूल शीर्षक आयन बार के तहत चौबीस जनवरी 2020 को संडास फिल्म फेस्टिवल में हुआ था इसे मार्च 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में तेरह अगस्त 2021 को यूनाइटेड किंगडम में नाट्य रूप में रिलीज किया गया था फिल्म को आमतौर पर अनुकूल समीक्षाएं मिली और आलोचकम कथानक सन उन्नीस के शीर्षक में गुप्त परमाणु जानकारी के तक पहुँचने तक पहुँच रखने वाले एक उच्च रैकिंग वाले सहोवियत अधिकारी और जी खुफिया अधिकारी ओलेग पैन पैनकोस का संयुक्त तो राज्य अमेरिका के साथ परमाणु युद्ध में बढ़ते खतरे के मजे मजेंदर खेवेज के नेत्र को होम भाग में जाता है और सीआईए के पास पहुंचता है और ऐसी जानकारी प्रदान करने की पेशकश करता है जो उस स्थिति को कम करने में मदद कर सकती है और सीआईए और एम आई सिक्स के निर्णय लिया कि बेहतर होगा कि किसी अधिकारी का उपयोग न किया जाए और इसके बजाय एक साधारण व्यवसायी को माध्यम रूप से कार्य कराया जाएगा एक वाणिज्यिक अवसरों की खोज के बहाने मॉस्को जाने के लिए सेल्फ्समैन ग्रेवलो विने के संपर्क करते हैं और विनेपेन कोस्की के साथ सामान्य व्यवसायिक संबंध बना स्थापित करता है जो पेनेसकोस्की उन्हें जानकारी देने के लिए पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के साथ व्यवस्था वे करते हैं और पूछता है कि मैंने को अपने नियमित कूरियर के रूप में उपयोग करने उपयोग करना जारी रखे यह तर्क देते हुए कि वैसोवियत और के सोवियत के रडार के तहत शुरू से कार्य का विरोध करने के बाद बिना विनय अत्यंत सहमत हो गया और आंशिक रूप से सीआई अधिकारी एडी एमिली डोनोवन द्वारा इस बात पर जोर देने का बात की है कि उसके प्रयासों से परमाणु युद्ध को रोकने की मदद मिल सकती है और पेनास्कोस्की कोस के बारे उस, उसके घर पर जाकर उसे बताया कि वह विनय की सफलता पर अपना जीवन दांव पर लगा रहा है पैनकोस्की द्वारा सी आई ए को प्रदान किए गए संदेशों और और पैकेजों को नियमित रूप से ले जाने के लिए विनय मास्को की अपनी व्यवसायिक यात्राओं का उपयोग करना है हालांकि इसका इसका असर उसके निजी जीवन पर पड़ा जहां वे उत्तोजित व्यवहार करने लगा और जिससे उसकी पत्नी को लगता है कि शायद उसका कोई चक्कर चल रहा है पैनकोस कोवस्की को पता चला कि सोवियत क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए परमाणु खतरे में बदलना चाहते हैं तस, तस्वीर और तस्वीरें और सैन्य योजनाओं के साथ यह जानकारी सीआईए को देते हैं जो अत्यंत अपनी खुफिया जानकारी का उपयोग करके इसे सत्यापित करती है क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिकी अपने लाभ के लिए इस शुरुआती बढ़त का उपयोग करने में सक्षम है हालांकि सोवियत ने अपने स्वयं के दोहरे एजेंटों का उपयोग करते हुए महसूस किया कि उस, उनके पास सूचना वैधता मॉस्को में बिने को पता चलता है और उसे होटल के कमरे की तलाशी ली ज, ली गई थी लेकिन पैनकोस्की को चेतावनी देने का मौका मिलने से पहले वह छोड़ देता है पैनकोस्की के भाग्य के बारे में चिंतित होकर क्या उसे पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए ने पैनकोस्की को दलब को दल बदल की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए मास्को वापस जाने के लिए एम आई सिक्स की सलाह खिलाफ स्वेच्छता से काम किया हालांकि सो, सोवियत से पहले पैनकोकी को जहर दिया गया था जब वह अस्पताल में था तो तब उसने उसके सामने तलाशी ली थी तो योजना के विफल कर दिया गया और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया विनय को जेल भेज दिया गया और जहाँ उसे कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया और वह दृढ़ता से अपनी बेगुनाही बरकरार करता रहा तो यह दावा करते हैं कि वह पेनकोसकिस को केवल एक व्यापारी ग्राहक के रूप में जानता था जी। और नहीं जानता था उसके द्वारा विपरीत पैकेजों में क्या क्या था कई महीनों के बाद उसे अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मिलती है जो उसे बताती है कि सोवियत ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें हटा ली हो जिससे उसका मनोबल बढ़ गए बढ़ गया पूछताछ के दौरान वह जेल के पेनोस्किस से भी मिला और जो उसे बताता है कि उसके बलिदान इसके लायक था दोनों व्यक्ति भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि अप्रैल सन उन्नीस सन उन्नीस में देखा गया था कि और बताया गया कि पेनिस्को ने जो उससे वादा किया था वह उसके बारे में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को सोवियत जासूस कौनो कोनोन मोलोड़ी के बदलने की रिहा कर दिया जाता है जो बातें सन उन्नीस सौ चौंसठ में थी वह लंदन लौट आया और यह भी पता किया कि पेनोस्की के देश विद्रोह का का मुकदमा चलाया था और मार डाला और एक एक अज्ञात कब्र पर दफन किया लेकिन उसने उसके परिवार को मॉस्को में रहने का अनुदाई दी थी भविष्य में भविष्य में परमाणु आपदाओं को रोकने और, और और अमेरिकी और सोवियत के अपने नेताओं के बीच एक संचार हॉटलाइन भी स्थापित की थी ढालना में देखा गया ग्रेवलिन विनय के रूप में बने बैने डिस्कैबरे कंबर बेचने के के ने किरदार निभाया ओलोग पैनको कोवस्की के रूप में मेरा निदिचे ने किरदार निभाया एमिली डोनोवन सी आई ए अधिकारी के रूप में राचल ब्रोस ब्रोसन्नाहन ने किरदार निभाया वैनिक की पत्नी शीला के रूप में जैसी कम्बकले ने किरदार निभाया और डिक्की फ्रेकस एम आई सिक्स अधिकारी के रूप में एंगस राइट ने किरदार निभाया जेलको इवानिन के सीआई निदेशक जोन ए मेकोन के रूप में नजर आए ओले ग्रे ग्रिब नो के जीबी अधिकारी के रूप में केबीजी के तीसरे निदेशालय के, के प्रमुख के रूप में क्लियर पिरोगोव नजर आए और ब्रटेड के रूप में एंटोन एंटोन लेसन ने किरदार निभाया ओले की पत्नी के पैनकोसिया के रूप में मार्टिया मनोनो मनो मीरोनोवा मनो, ने किरदार निभाया निकित्सा क्रुसे के रूप में वाला वा वा चोप्री कॉमने दाने उत्पादन एक मई दो हजार को यह घोषणा की गई थी फिल्म एक्शन एंटरटेनमेंट टॉम ऑफ कोनर की एक स्क्रिप्ट में ब्रिटिश जासूस ग्रेवलिन विवने के बारे में फिल्म आयरन बार का निर्माण करता है और डोमिनिक डौमी, यूकूको और कॉनर रोड एर, रोरी एटकेन के एडम को एडम ऑकलैंड जैसे वर्णिक लिया क्लास के साथ फिल्म का निर्देशन निर्माण करने के लिए तैयार फिल्म के जुड़ी प्रोडक्शन कंपनियों की सनी मार्च शामिल है प्रारंभिक उत्पादन के घोषणा के साथ साथ यह पुष्टि भी की गई कि बेनेडिक्स कंबरबेज को ग्रेविल विने के रूप में चुना गया था अक्टूबर दो को घोषणा की गई कि राचेल ब्रोसनाहन की जैसी के बकले में मेरा निजी डेज एंग एंगस राइट और केरल्स पेरोगोव फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 अक्टूबर 2018 को लंदन में हुई और यह 7 दिसंबर 2018 तक चली संगीत एल एब एल कैर कोर कोर जेनी ओस्क ने स्कोर किया था और लैक्सोर रिकॉर्ड ने मार्च 2021 को साउंड ट्रैक जारी किया था और ट्रैक लिस्टिंग के रिकॉर्डिट में साउंड ट्रैक डॉट नेट में अनुकूलित किया गया था इसके बाद बताया जाता है मुक्त करने में देखा गया फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर चौबीस जनवरी 2020 को को आर्यन बार्के सिर के तहत सनडाउस फिल्म फेस्टिवल में हुआ कुछ ही समय बाद रोड साइड अट्रैक्शन और लाइसंगेट ने फिल्म के अमेरिकी वितरण अधिकार हासिल कर लिए और ने नाम द कुरियर के तहत फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका के 28 अगस्त 2020 को मूल नाटक रिलीज़ की गई थी और हालांकि कोविड 19 महामारी के कारण इसे 16 अक्टूबर 2020 तक विलंबित कर दिया गया और इसे यूनाइटेड किंगडम में 30 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया इसे फिर से 19 मार्च 2021 तक विलंबित कर दिया गया और अंत में तेरह अगस्त दो को फिर रिलीज किया गया था इसके बाद देखा गया कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देखा गया इसने कुरियर में संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा छह पॉइंट छह मिलियन डॉलर और अन्य जगहों पर उन्नीस पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर थी दुनिया भर में इसने ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर तक की ही कमाई कर पाई थी और अपने घरेलू श्रोती सप्ताहों में इसने चौदह थिएटरों में से वन मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही और फिल्म में अपने दूसरे सप्ताह में एक मिलियन डॉलर की कमाई की और इसके बाद अमीर बारे जवाब में देखे गए समीक्षा एग्रिगेटरी रोन आ, रोटन टमाटोज पर फिल्म को दो सौ चौबीस समीक्षाओं के आधार पर सिक्स पॉइंट एट ओब्लिक टेन की औसत रेटिंग मिली और साथ ही एट्टी फाइव परसेंट के अनुमोदित रेटिंग के प्राप्त की और वेबसाइट के आलोचकों के सर्वसम्पत्ति में लिखा गया द कुरियर एक रोमांचकारी और तथ्य आधारित कहानी और बेनेक्डिक्स कम्बरबेज के घबराहट कम्बर पौर वाले केंद्रीय प्रदर्शन द्वारा उन्नत एक प्रभावशाली पुराने स्कूल के जासूसी साहसिक कार्य को प्रस्तुत करता है जासूसी फिल्म है जो डोमोनिक्स कुक द्वारा निर्देशित और टॉम ओकोनर द्वारा लिखित है फिल्म में बेनेडिक्स कंबरबेच ने ग्रेविले विने की भूमिका निभाई है और यह है एक ब्रिटिश व्यवसाय की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसे सन उन्नीस के दशक में मेरूशी जासूस स्त्रोत ओलेकैन कोसवी पानोस्की द्वारा के साथ एक संदेश माध्यम बनाने के लिए गुप्त खुफिया सेवा द्वारा भर्ती किया गया था और रचल ब्रोस बोस नहान जे जैसी बकले और एंगस राइट भी अभिनय करते हैं फिल्म का निर्देशक डोमिनिक यूकुक है और लेखक है टॉम ओकोनर को, है उत्पादित है एडम ओकलैंड और बेन ब्राउनिंग बेन बुथ और रे, रेडी टेक्केन अभिनीति है बेनेडिक्स कामवर बेच की मेरब निर्दीचे की रोचेल ब्रोशन नाहन की जैसी कबले एंगस राइट्स छायांकन है सोन बॉबिट के संपादित किया गया तारिक अनवर और सी स्किल द्वारा संगीत है हाबिल कौर जेनी ओस्की द्वारा उत्पादन कंपनी है फोर्टी टू फिल्म फिल्म सनी मार्च वितरित किया गया लॉयंस लो, गेट और सड़क किनारे के आकर्षण रिलीज की तारीख चौबीस जनवरी दो को सन डांस में चौ उन्नीस मार्च दो हज़ार इक्कीस को संयुक्त राज्य अमेरिका में और तेरह अगस्त दो हज़ार इक्कीस को यूनाइटेड किंगडम में कार्यक्रम एक सौ ग्यारह मिनट देश यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी द कोरियर का विश्व प्रीमर उसके मूल शीर्षक आयन बार के तहत चौबीस जनवरी 2020 को संडास फिल्म फेस्टिवल में हुआ था इसे मार्च 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में तेरह अगस्त 2021 को यूनाइटेड किंगडम में नाटक के रूप में रिलीज किया गया था फिल्म को आमतौर पर अनुकूल समीक्षाएं मिली और आलोचकम कथनक सन उन्नीस के शीर्षक में गुप्त परमाणु जानकारी के पथक पहुँचने तक पहुँच रखने वाले एक उच्च रैकिंग वाले सोवियत अधिकारी और जी खुफिया अधिकारी ओलेग पैन को को का संयुक्त तो राज्य अमेरिका के साथ परमाणु युद्ध में बढ़ते खतरे के मजेंदर खेवेज के नेत्र को होम भाग में जाता है और सीआईए के पास पहुंचता है और ऐसी जानकारी प्रदान करने की पेशकश करता है जो उस स्थिति को कम करने में मदद कर सकती है और सीआईए और एम आई सिक्स के निर्णय लिया कि बेहतर होगा कि किसी अधिकारी का उपयोग न किया जाए और इसके बजाय एक साधारण व्यवसायी को माध्यम रूप से कार्य कराया जाएगा एक वाणिज्यिक अवसरों की खोज के बहाने मॉस्को जाने के लिए सेल्समैन ग्रेवलो विने के संपर्क करते हैं और विने पेन कोस्की के साथ सामान्य व्यवसायिक संबंध बना स्थापित करता है जो पेनेस कोस्की उन्हें जानकारी देने के लिए पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के साथ व्यवस्था वे करते हैं और पूछता है कि वेनय को अपने नियमित कुरियर के रूप में उपयोग करने उपयोग करना जारी रखे यह तर्क देते हुए कि वह सोवियत और के सोवियत के रडार के तहत शुरू से कार्य का विरोध करने के बाद बिना विनय अत्यंत सहमत हो गया और आंशिक रूप से सीआई अधिकारी एडी एमिली डोनोवन द्वारा इस बात पर जोर देने का बात की है कि उसके प्रयासों से परमाणु युद्ध को रोकने की मदद मिल सकती है और पेनस्कोस्की कोस के बारे उसके घर पर जाकर उसे बताया कि वह विनय की सफलता पर अपना जीवन दांव पर लगा रहा है पेनकोस्की द्वारा सीआईए को प्रदान किए गए संदेशों और और पैकेजों को नियमित रूप से ले जाने के लिए विनय मास्को की अपनी व्यवसायिक यात्राओं का उपयोग करना है हालांकि इसका इसका असर उसके निजी जीवन पर पड़ा जहां वे उत्तोजित व्यवहार करने लगा और जिससे उसकी पत्नी को लगता है कि शायद उसका कोई चक्कर चल रहा है पैनको को पता चला कि सोवियत क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए परमाणु खतरे में बदलना चाहते हैं और तस्वीरों और सैन्य योजनाओं के साथ यह जानकारी सी को देते हैं जो अत्यंत अपनी खुफिया जानकारी का उपयोग करके इसे सत्यापित करती है क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिकी अपने लाभ के लिए इस शुरुआती बढ़त का उपयोग करने में सक्षम है हालांकि सोवियत ने अपने स्वयं के दोहरे एजेंटों का उपयोग करते हुए महसूस किया कि उसके पास सूचना वैधता मॉस्को में बिने को पता चलता है और उसे होटल के कमरे की तलाशी ली ली गई थी लेकिन पैनकोस्की को चेतावनी देने का मौका मिलने से पहले वह छोड़ देता है पैनकोस्की के भाग्य के बारे में चिंतित होकर क्या उसे पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए ने पैनकोस्की को दलब को दल बदल की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए मास्को वापस जाने के लिए एम आई सिक्स की सलाह खिलाफ स्वेच्छता से काम किया हालांकि सो, सोवियत से पहले पैनकोफ्सकी को जहर दिया गया था जब वह अस्पताल में था तो तब उसने उसके सामने तलाशी ली थी तो योजना के विफल कर दिया गया और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया विनय को जेल भेज दिया गया और जहाँ उसे कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया और वह दृढ़ता से अपनी बेगुनाही बरकरार करता रहा यह है, है, दावा करते हैं कि वह पेनकोस्किस को केवल एक व्यापारिक ग्राहक के रूप में जानता था जी, और नहीं जानता था उसके द्वारा विपरीत पैकेजों में क्या क्या था कई महीनों के बाद उसे अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मिलती है जो उसे बताती है कि सोवियत ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें हटा ली हो जिससे उसका मनोबल बढ़ गढ़ गय, गया पूछताछ के दौरान वह जेल के पेनोस्किस से भी मिला और जो उसे बताता है कि उसके बलिदान इसके लायक था व्यक्ति भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि अप्रैल सन उन्नीस सौ सन उन्नीस में देखा गया था कि और बताया गया कि पेनिस्को ने जो उससे वादा किया था वह उसके बारे में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को सोवियत जासूस कोनो कॉनोन मोलोड़ी के बदलने की रिहा कर दिया जाता है जो बातें सन उन्नीस सौ चौंसठ में थी वह लंदन लौट आया और यह भी पता किया कि पेनोस्की के देश विद्रोह का का मुकदमा चलाया था और मार डाला और एक एक अज्ञात कब्र पर दफन किया लेकिन उसने उसके परिवार को मॉस्को में रहने का अनुदाई दी थी भविष्य में भविष्य में परमाणु आपदाओं को रोकने और, और और अमेरिकी और सोवियत के अपने नेताओं के बीच एक संचार हॉटलाइन भी स्थापित की थी ढालना में देखा गया ग्रेवलिन विनय के रूप में बने बैने डिस्कैबरे कंबर बेचने के के ने किरदार निभाया ओलोग पैनको कोवस्की के रूप में मेरा निदिचे ने किरदार एमिली डोनोवन सी अधिकारी के रूप में राचल ब्रोस ब्रोसन्नाह ने किरदार निभाया वैनिक की पत्नी सीला के रूप में जैसी बकले ने किरदार निभाया और डिक्की फ्रेकस एम आई सिक्स अधिकारी के रूप में एंगस राइट ने किरदार निभाया जेलको इवानिन के सीआईए निदेशक जोन ए मैकॉन के रूप में नजर आए ओले ग्रे ग्रिब, ग्रिबा के जीबी अधिकारी के रूप में केबीजी के तीसरे निदेशालय के, के प्रमुख के रूप में क्लिर पिरोगोव नजर आए और ब्रैटेड के रूप में एंटोन एंटोन लेसन इनके धन्यवादा ओले की पत्नी के पैनकोस के रूप में मारिया मोनोरनो मिरोनोवा ने की धन्यवादा निकिता क्रुसेद के रूप में व्लादिमिर वला, चोप्रिकोव ने इस उत्पादन एक मई 2018 को यह घोषणा की गई थी फिल्म एक्शन एंटरटेनमेंट टॉम ऑफ कॉनर की एक स्क्रिप्ट में ब्रिटिश जासूस ग्रेवलिन बिवने के बारे में फिल्म आयरन बर्ग का निर्माण करता है और डोमिन डौमी, डोमिनिक यूकूक और कॉनर बेनपुथ रोड एर, रोरी एटकेन के एडम को एडम ऑकलैंड जैसे वर्णिक लिया क्लास के साथ फिल्म का निर्देशन निर्माण करने के लिए था। फिल्म के जुड़ी प्रोडक्शन कंपनियों की शनिमार्च शामिल है प्रारंभिक उत्पादन घोटना के घोषणा के साथ साथ यह पुष्टि भी की गई कि बेनेडिक्स कम्बरबेज को ग्रेविल विने के रूप में चुना गया था अक्टूबर दो को घोषणा की गई कि ब्रोसनाहन के जैसी बकले में मेरा निजी डेज एंग एंगस राइट और केरल्स पेरोगोव फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 अक्टूबर 2018 को लंदन में हुई और यह 7 दिसंबर 2018 तक चली संगीत एल एब कैर कोरजोनी कोर ओस्किक कोर ने स्कोर किया था और लैक्सोर रिकॉर्ड ने मार्च 2021 को साउंड ट्रैक जारी किया था और ट्रैक लिस्टिंग के रिकॉर्डिट में साउंड ट्रैक डॉट नेट में अनुकूलित किया गया था इसके बाद बताया जाता है मुक्त करने में देखा गया फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर चौबीस जनवरी 2020 को को आर्यन के सिर के तहत संडाउस फिल्म फेस्टिवल में हुआ कुछ ही समय बाद रोड साइड अट्रैक्शन और लाइसंगेट ने फिल्म के अमेरिकी वितरण अधिकार हासिल कर लिए और नए नाम द कुरियर के तहत फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका के 28 अगस्त 2020 को मूल नाटके रिलीज़ की गई थी और हालांकि कोविड 19 महामारी के कारण इसे 16 अक्टूबर 2020 तक विलंबित कर दिया गया और इसे यूनाइटेड किंगडम में 30 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया इसे फिर से 19 मार्च 2021 तक विलंबित कर दिया गया और अंत में तेरह अगस्त दो को फिर रिलीज किया गया था इसके बाद देखा गया कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देखा गया इसने कुरियर में संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा छह पॉइंट छह मिलियन डॉलर और अन्य जगहों पर उन्नीस पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर तक कि दुनिया भर में इसने ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर पाई थी और अपने घरेलू श्रोती सप्ताहों में इसने चौदह थिएटरों में से वन मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही और फिल्म फिल्में अपने दूसरे सप्ताह में एक मिलियन डॉलर की कमाई की और इसके बाद अमीर इस बारे जवाब में देखे गए समीक्षा रोन आ, रोटन टमाटोज पर फिल्म को दो सौ चौबीस समीक्षाओं के आधार पर सिक्स पॉइंट एट्लिक टेन की औसत रेटिंग मिली और साथ ही एट्टी फाइव परसेंट के अनुमोदित रेटिंग के प्राप्त की और वेबसाइट के आलोचकों के सर्वसम्पत्ति में लिखा गया द कुरियर एक रोमांचकारी और तथ्य आधारित कहानी और बेनेरबेच के घबराहट पौर वाले केंद्रीय प्रदर्शन द्वारा उन्नत एक प्रभावशाली पुराने स्कूल के जासूसी साहसिक कार्य को प्रस्तुत करता है जासूसी फिल्म है जो डोमोनिक्स कुक द्वारा निर्देशित और टॉम ओकोनर द्वारा लिखित है फिल्म में बेनेडिक्स कंबरबेच ने ग्रे, ग्रेविले विनय की भूमिका निभाई है और यह एक ब्रिटिश व्यवसाय की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसे सन उन्नीस के दशक में मेरूसी जासूस इसोत ओल ओलेकनकोसवी पानोस्की द्वारा के साथ एक संदेश माध्यम बनने बनाने के लिए गुप्त खुफिया सेवा द्वारा भर्ती किया गया था और रचेल ब्रोस ब्रोस नहन जै, का बकले और एंगस राइट भी अभिनय करते हैं फिल्म का निर्देशक डोमिनिक युकुक है और लेखक है टॉम ओकोनर को, है उत्पादित है एडम ओकलैंड और बेन ब्राउनिंग बेन बुथ और रे, रेडी टेक्केन अभिनीति है बेनेडिक्स कामवर बेच की मेरब निदीचे की रोचेल ब्रोशन नहन की जैसी कबले एंगस राइट्स छायांकन है सोन बॉबिट के संपादित किया गया तारिक अनवर और गैर सी स्केल द्वारा संगीत है हाबिल कौर जेनी ओस्की द्वारा उत्पादन कंपनी एट फोर्टी टू फिल्म फिल्म नेशन इंटरटेनमेंट सनी सनी मार्च वितरित किया गया लॉयंस गेट और सड़क किनारे के आकर्षण रिलीज की तारीख चौबीस जनवरी दो को सन डांस में उन्नीस मार्च दो को संयुक्त राज्य अमेरिका में और तेरह अगस्त दो को यूनाइटेड किंगडम में कार्यक्रम एक मिनट ग्यारह मिनट यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी द कोरियर का विश्व प्रीमियर उसके मूल शीर्षक आयन बार के तहत चौबीस जनवरी 2020 को संडास फिल्म फेस्टिवल में हुआ था इसे मार्च 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में तेरह अगस्त 2021 को यूनाइटेड किंगडम में नाट्य रूप में रिलीज किया गया था फिल्म को आमतौर पर अनुकूल समीक्षाएं मिली और आलोचकम कथनक सन उन्नीस के शीर्षक में गुप्त परमाणु जानकारी के तक पहुँचने तक पहुँच रखने वाले एक उच्च रैकिंग वाले सहोवियत अधिकारी और जी खुफिया अधिकारी ओलेग पैन पैनकोस का संयुक्त तो राज्य अमेरिका के साथ परमाणु युद्ध में बढ़ते खतरे के मजे मजेंदर खेवेज के नेत्र को होम भाग में जाता है और सीआईए के पास पहुंचता है और ऐसी जानकारी प्रदान करने की पेशकश करता है जो उस स्थिति को कम करने में मदद कर सकती है और सीआईए और एम आई सिक्स के निर्णय लिया कि बेहतर होगा कि किसी अधिकारी का उपयोग न किया जाए और इसके बजाय एक साधारण व्यवसायी को माध्यम रूप से कार्य कराया जाएगा एक वाणिज्यिक अवसरों की खोज के बहाने मॉस्को जाने के लिए विने के के संपर्क करते हैं और पेन के साथ सामान्य व्यवसायिक संबंध स्थापित करता है जो पेनेसकोस्की कोस्की उन्हें जानकारी देने के लिए पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के साथ व्यवस्था वे करते हैं और पूछता है कि मैंने को अपने नियमित कुरियर के रूप में उपयोग करने उपयोग करना जारी रखें यह तर्क देते हुए कि वह सोवियत और के सोवियत के रडार के तहत शुरू से कार्य का विरोध करने के बाद सहमत हो गया और रूप से सीआई अधिकारी एमिली डोनोवन द्वारा इस बात पर जोर देने का बाद उसके प्रयासों से परमाणु युद्ध को रोकने की मदद मिल सकती है और पेनस्कोस्की को उसके बारे उसके घर पर जाकर उसे बताया कि वह विनय की सफलता पर अपना जीवन दां पर लगा रहा है द्वारा यात्राओं का उपयोग करना है इसका, इसका असर उसके निजी जीवन पर पड़ा जहां वे उत्तोजित व्यवहार करने लगा और जिससे उसकी पत्नी को लगता है कि शायद उसका कोई चक्कर चल रहा है पैनकोस को पता चला कि सोवियत क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए परमाणु खतरे में बदलना चाहते हैं तस, और तस् तस्वीरों और सैन्य योजनाओं के साथ यह जानकारी सी को देते हैं जो अत्यंत अपनी खुफिया जानकारी का उपयोग करके इसे सत्यापित करती है क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिकी अपने लाभ के लिए इस शुरुआती बढ़त का उपयोग करने में सक्षम है हालांकि सोवियत ने अपने स्वयं के दोहरे एजेंटों का उपयोग करते हुए महसूस किया कि उस, उनके पास सूचना वैधता मॉस्को में, में बिने को पता चलता है और उसे होटल के कमरे की तलाशी ली ली गई थी लेकिन पैनकोस्की को चेतावनी देने का मौका मिलने से पहले वह छोड़ देता है पैनकोस्की के भाग्य के बारे में चिंतित होकर क्या उसे पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए विद ने पैनकोस्की को दलब को दल बदल की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए मास्को वापस जाने के लिए एम आई सिक्स की सलाह खिलाफ स्वेच्छता से काम किया हालांकि सो, सोवियत से पहले पैनकोफ्सकी को जहर दिया गया था जब वह अस्पताल में था तो तब उसने उसके सामने तलाशी ली थी तो योजना के विफल कर दिया गया और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया विनय को जेल भेज दिया गया और जहाँ उसे कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया और वह दृढ़ता से अपनी बेगुनाही बरकरार करता रहा है यह दावा करते हैं कि वह पेनकोसकिस को केवल एक व्यापारी ग्राहक के रूप में जानता था जी, और नहीं जानता था उसके द्वारा विपरीत पैकेजों में क्या क्या था कई महीनों के बाद उसे अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मिलती है जो उसे बताती है कि सोवियत ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें हटा ली हो जिससे उसका मनोबल बढ़ बढ़ गया पूछताछ के दौरान वह जेल के पेनोस्किस से भी मिला और जो उसे बताता है कि उसके बलिदान इसके लायक था दोनों व्यक्ति भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ लेते हैं और इसके बाद देखा गया कि अप्रैल सन उन्नीस सन उन्नीस में देखा गया था कि और बताया गया कि पेनिस्को ने जो उससे वादा किया था वह उसके बारे में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को सोवियत जासूस कोनोन कॉन मोलोडी के बदलने की रिहा कर दिया जाता है जो बातें सन उन्नीस सौ चौंसठ में थी वह लंदन लौट आया और यह भी पता किया कि पेनोस्की के देश विद्रोह का का मुकदमा चलाया था और मार डाला और एक एक अज्ञात कब्र पर दफन किया लेकिन उसने उसके परिवार को मॉस्को में रहने का अनुदाई दी थी भविष्य में भविष्य में परमाणु आपदाओं को रोकने और, और और अमेरिकी और सोवियत के अपने नेताओं के बीच एक संचार हॉटलाइन भी स्थापित की थी ढालना में देखा गया ग्रेवलिन विनय के रूप में बने बैने डिस्कैबरे कंबर बेच ने किरदार निभाया ओलोग पैनको कोवस्की के रूप में मेरा निदिचे ने किरदार निभाया एमिली डोनोवन सी आई ए अधिकारी के रूप में राचल ब्रोस ब्रोसन्नाहन ने किरदार निभाया वैनिक की पत्नी शीला के रूप में जैसी कम्बकले ने किरदार निभाया और डिक्की फ्रेकस एम आई सिक्स अधिकारी के रूप में एंगस राइट ने किरदार निभाया जेल को इवान के सीआई निदेशक जोन ए मेकोन के रूप में नजर आए ओले ग्रे ग्रिब, ग्रिबानो के जीबी अधिकारी के रूप में केबीजी के तीसरे निदेशालय के, के प्रमुख के रूप में क्लियर पिरोगोव नजर आए और ब्रटेड के रूप में एंटोन एंटोन लेसन ने किरदार निभाया ओले की पत्नी के पैनकोसिया के रूप में मार्टिया मनोनो मनो, मनो मिरोनोवा ने किरदार निभाया निकिता क्रुसे के रूप में वाला चोप्री कॉमने दाने उत्पादन एक मई दो हज़ार अठारह को यह घोषणा की गई थी फिल्म एक्शन एंटरटेनमेंट टॉम ऑफ कोनर की एक स्क्रिप्ट में ब्रिटिश जासूस ग्रेवलिन विवने के बारे में फिल्म आयरन बर्ग का निर्माण करता है और डोमिनिक युकूको और कॉनर रोड एर, रोरी एटकेन के एडम को एडम ऑकलैंड जैसे वर्णिक लिया क्लास के साथ फिल्म का निर्देशन निर्माण करने के लिए था। फिल्म के जुड़ी प्रोडक्शन कंपनियों की शनिमार्च शामिल है प्रारंभिक उत्पादन घोटना के घोषणा के साथ साथ यह पुष्टि भी की गई कि बेनेडिक्स कंबरबेज को ग्रेविल विने के रूप में चुना गया था अक्टूबर 2018 को घोषणा की गई कि राचेल ब्रोसनाहन की जैसी के बकले में मेरा निजी डेज एंग एंगस राइट और केरल्स पेरोगोव फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 15 अक्टूबर 2018 को लंदन में हुई और यह 7 दिसंबर 2018 तक चली संगीत एल एब एल कैर कोर कोर जेनी ने स्कोर किया था और लैक्सोर रिकॉर्ड ने मार्च 2021 को साउंड ट्रैक जारी किया था और ट्रैक लिस्टिंग के रिकॉर्डिट में साउंड ट्रैक डॉट नेट में अनुकूलित किया गया था इसके बाद बताया जाता है मुक्त करने में देखा गया फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर चौबीस जनवरी 2020 को को आर्यन बार्के सिर के तहत सनडाउस फिल्म फेस्टिवल में हुआ कुछ ही समय बाद रोड साइड एट्रैक्शन और लाइसंगेट ने फिल्म की अमेरिकी वितरण अधिकार हासिल कर लिए और नाम ने नाम द कुरियर के तहत फिल्म को संयुक्त तो राज्य अमेरिका के 28 अगस्त 2020 को मूल के रिलीज की गई थी और हालांकि कोविड महामारी के कारण इसे 16 अक्टूबर 2020 तक विलंबित कर दिया गया और इसे यूनाइटेड किंगडम में 30 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया इसे फिर से 19 मार्च 2021 तक विलंबित कर दिया गया और अंत में 13 अगस्त 2021 को फिर रिलीज किया गया था इसके बाद देखा गया कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देखा गया इसने इसनेर में संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा छह पॉइंट छह मिलियन डॉलर और अन्य जगहों पर उन्नीस पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर तक दुनिया भर में ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर तक की ही कमाई कर पाई थी और अपने घरेलू श्रोत सत्ताओं में इसने चौदह थिएटरों में से 1.9 पॉइंट मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही और फिल्म में अपने दूसरे स्थान सप्ताह में एक मिलियन डॉलर की कमाई की और इसके बाद अमीर बारे जवाब में देखे गए के एग्रीगेटर रोन रोटन टमाटोज पर फिल्म को 224 समीक्षाओं के आधार पर 6.8 पॉइंट एट और टेन की औसत रेटिंग मिली और साथ ही एट्टी फाइव परसेंट की अनुमोदित रेटिंग के प्राप्त की और वेबसाइट के आलोचकों के सर्वसंपत्ति में लिखा गया द कुरियर एक रोमांचकारी और तथ्य आधारित कहानी और के बेच के घबराहटपुर वाले केंद्रीय प्रशासन द्वारा उन्नत एक प्रभावशाली पुरानी स्कूल के जासूसी साहसिक कार्य को प्रस्तुत करता है के तक, पहुंचने, तक पहुंच रखने वाले एक उच्च रैकिंग वाले सोवियत अधिकारी और जीआरयू खुफिया अधिकारी ओलेग पैनकोस पैन का संयुक्त तो राज्य अमेरिका के साथ परमाणु युद्ध में बढ़ते खतरे के मजेंदर के नेत्र को होम भाग में जाता है और CIA के पास पहुंचता है और ऐसी जानकारी प्रदान करने की पेशकश करता है जो उस स्थिति को कम करने में मदद कर सकती है और CIA और एम आई सिक्स के निर्णय लिया कि बेहतर होगा कि किसी अधिकारी का उपयोग न किया जाए और इसके बजाय एक साधारण व्यवसायी को माध्यम रूप से कार्य कराया जाएगा और एक वाणिज्यिक अवसरों की खोज के बहाने मॉस्को जाने के लिए सेल्समैन ग्रेवलो विनय के संपर्क करते हैं और विनय पेन कोस्की के साथ सामान्य व्यवसायिक संबंध बना स्थापित करता है जो कोस्की उन्हें जानकारी देने के लिए पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के साथ व्यवस्था करते हैं और पूछता है कि वेनय को अपने नियमित कुरियर के रूप में उपयोग करने उपयोग करना जारी रखें यह तर्क देते हुए कि वह सोवियत और के, सोवियत के रडार के तहत शुरू से कार्य का विरोध करने के बाद बिना विनय अतंत सहमत हो गया और आंशिक रूप से सीआई अधिकारी एडी एमिली डोनोवन द्वारा इस बात पर जोर देने का बात की है कि उसके प्रयासों से परमाणु युद्ध को रोकने की मदद मिल सकती है और पेनस्कोस्की को उसके बारे उस, उसके घर पर जाकर उसे बताया कि वे विनय की सफलता पर अपना जीवन दांव पर लगा रहा है पेनकोस्की द्वारा सी आई ए को प्रदान किए गए संदेशों और, और पैकेजों को नियमित रूप से ले जाने के लिए भी विनय की अपनी व्यावसायिक यात्राओं का उपयोग करना है हालांकि इसका